तुम? मेरा नाम विजय है। आपके होटल में कुछ काम हो तो मुझे दो ना साहब, मैं सारे काम कर दूंगा, यही रहूंगा। ये भोजनालय है, यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। तू कितने साल का है? मैं 11 साल का हूँ। यहाँ काम कर चलेगा, लेकिन रात को सोने नहीं दूंगा, समझा? पर क्यों? मुझसे सवाल मत कर, मैं तुम्हें नहीं जानता। तू चोर निकला तो? मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। फिर कैसा लड़का? बहुत ही नेक हूँ। अच्छा, बड़ा होकर पुलिस बनना चाहता हूँ। वाह, तुझे इस शहर में पढ़ाएगा कौन? आप। मैं? ऐसा अपने आप को बहुत चतुर समझता है। मैं कोई तेरा सगा संबंधी नहीं हूँ जो तुझे फ्री में पढ़ाएगा। तेरी परवरिश करूँगा, तुझे पुलिस वाला बनाऊंगा। मेरी शक्ल पे उल्लू छपा है क्या? ए, तुझसे बात कर रहा हूँ, झाड़ू छोड़ और भाग यहाँ से। काम कर रहा हूँ, बीच बीच में टोको मत। अबे मुझे उल्टा जवाब देता है। ये हो गए स्वच्छ, गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म चाय। ये आपकी चाय और साहब ये क्या कर रहा है मूर्ख? एक टेबल पर इतना समय लगाएगा तो बाकी काम कब करेगा? कर दूंगा। बर्तन धोने हैं, वो भी कर दूंगा, और फर्श साफ करना है। ठीक है साहब, सारे काम कर दिए? हाँ साहब, सब कर दिया। चल जाके सो जा। इसमें से कुछ पैसे मुझे भी दो ना। क्यों? पैसे किस लिए? किताबें लेनी है। किताबें क्यों चाहिए? पढ़ाई करने के लिए। अभी तक भूत नहीं उतरा? मार मार के सीधा कर दूंगा, चल जा। भूत चढ़ा हुआ है, सारी गिनती भुला दी। लाड साहब पढ़ाई करेंगे। अरे सुन, पढ़कर आज तक किसी का भला नहीं हुआ। मैं भी पढ़ लिख के ये ढाबा ही चला रहा हूँ। आप सो जा पापा। क्या बोला पापा? अबे 2 मिनट में रिश्ते जोड़ रहा है। मैं किसी का पापा पापा नहीं हूँ। आज के बाद पापा मत बोलना, आइंदा कहा ना तो तुझे यहाँ से भगा दूंगा मैं। चलिए बत्ती बंद कर और सो जा, चल। एक प्लेट समोसा और 2 कटिंग चाय, जल्दी भेजो। हाँ लाता हूँ। अरे चला हाथ हटा वहाँ से। इस पे पुलिस वाला बनने का भूत सवार है साहब। कहता है कि मेरी परवरिश करो, मैं आईपीएस ज्वाइन करना चाहता हूँ। जहाँ इसे कोई भी पुलिस वाला दिखा, उनकी लाठी टोपी सारी चीजों को छूने लगता है। पागल, चल काम कर। क्या बेटा, आईपीएस बनोगे? जी साहब। एक दिवस पक्का बनोगे। सलाम करूँ साहब? हाँ। अब ये सब बंद कर, टोपी नीचे रख और अंदर जाके कब धो, चल जा। चाचा, चाचा चाय पीजिए, एकदम कड़क है। साहब चाहिए तो थोड़ा टाइम आप लोग सो लीजिए, तब तक आप लोग की जगह शहर के पहरेदारी मैं कर लेता हूँ। आराम से चाय पीजिए। अरे वो सेठ को अपन ने ही टपकाया था, अपन इधर मौज कर रहा है और पुलिस पूरे गांव में उस अपराधी को ढूंढ रही है। अरे अपन को कोई नहीं पकड़ सकता। हाँ। अरे उन्हें अपना कार्य करने दो, हम अपना कार्य करेंगे। हम तब तक मौज मस्ती करेंगे अपने हिसाब से। हेलो साहब, जिस अपराधी को आप ढूंढ रहे थे वो यहाँ बैठा है। भाई पुलिस! अरे पुलिस! अरे चाय पी रहा था साहब। सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाओ। ये तीसरा नंबर, लाइन में रहो, लाइन में जाओ। अगला 43। अगला सीना है कि टैंकर है? तुम पुलिस में भर्ती होने के लिए फिट नहीं हो। चलो सांस लो। परफेक्ट, तुम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बिल्कुल फिट हो। शाबाश। नाम क्या है तुम्हारा? विजय। कौन जीतेगा आज? मतलब किसका सिलेक्शन होगा? मुझे तो 369 लगा, उसकी फिटनेस बहुत ही अच्छी है। क्यों पीछा करते हो मेरा? ये लो। क्या है? प्रेम पत्र लिखा है। दो जान। इस पत्र को अकेले में पढ़ना। रुको ना, मेरे साथ कोई और भी पढ़ेगा। कौन पढ़ेगा? रजनी। रजनी कहाँ हो तुम? तुम्हारी छोटी बहन? नहीं, मेरी मातोश्री। माँ, माँ देखो तो इसमें मुझे प्रेम पत्र लिखा है। ए ठहरो, माताजी से तो मिल लो। प्रेम पत्र लिखा है। आ जाओ, पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। मेरी प्यारी प्रियतमा प्रिया। आगे पढ़ो। मेरे कलेजे में भी तुम हो, मेरे फेफड़ों में। मारा क्यों? झूठ है, तुम पढ़ो। वैक्सीन का पहला डोज भी तुम हो और दूसरा भी, तीसरा डोज और चौथा। बहुत हुई हाथ की सफाई, अब मैं जा रहा हूँ। ए, भागता कहाँ है? ठहर, तुम आगे पढ़ो। नहीं, तुम मेरा ऑक्सीजन हो, नहीं मिली तो मर जाऊंगा। नहीं मिलेगी, अभी के अभी इसके सामने मार, मर के दिखा। क्या बोलती हो बेटी? मेरी बेटी वैक्सीन है तो सबसे बड़ा वायरस। छोड़ो ना, ऐसा प्रेम पत्र तो हर तीसरी लड़की को देता हूँ, उसमें तो भड़क क्यों रही हो? बेशरम का प्रेम पत्र लिखेगा, प्रेम पत्र लिखेगा। अगर मुझे दोबारा दिखा ना तो तेरा नामो निशान मिटा दूंगी। पता नहीं मेरा चाकू कहाँ चला गया। नहीं। तुझे सीधा करती हूँ। दोबारा तूने किसी लड़की को छेड़ा ना, पुरुषों की जात ही ऐसी होती है, छिछोरापन करने में ना इन्होंने डिग्री हासिल कर रखी है। सही कहा मैडम। क्या सही कहा? तूने भी तो डिग्री हासिल कर रखी है, तू भी छिछोरा ही है। मैं वैसा नहीं हूँ। तुम कितने ठरकी हो, तुम्हारे मुंह पर लिखा है ये वो सारे पुरुष आवारा हैं, कोई भी शरीफ नहीं है। क्या ऐसे तो आपकी सुपुत्री कुंवारी रह जाएगी ना। वैसे भी ये खुद शादी नहीं करना चाहती। क्यों? हमें पुरुषों से घृणा है। उठ गया शकील? हाँ भाई। आधे घंटे में राज चेंबर के पास पहुंच जाना, वहाँ एक पंटर आएगा, उसके साथ निकल लेना। तुम ही हो क्या? बैठो। हाँ भाई, काम क्या करना है? वहाँ पर एक यूनियन बैंक है, उसके पास तुम लोगों को एक लड़की मिलने आएगी। तुम्हारा नाम क्या है? सामान खान। वो लड़की तुम्हें घर का पता देगी। दाएं से दरवाजा नंबर 295। दुनिया में खालिद चाहे किसी भी शहर में क्यों न रहे, उसका भय और आतंक लोगों में जरूर रहना चाहिए। खालिद कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। खालिद का साम्राज्य पूरी दुनिया में फैलना चाहिए। मलेशिया में रहने के बावजूद खालिद ने अपना दबदबा हिंदुस्तान में बनाया रखा है। क्या पुलिस कभी खालिद को पकड़ पाएगी? मेरा नाम विजय है, यहाँ का नया ऐसा है। तुम्हारा नाम क्या है? रामदीन सर। भेंट करके अच्छा लगा। धन्यवाद सर। मैं हूँ भास्कर, FIR लिखता हूँ सर। मेरा नाम आनंद है सर। अभिजीत सर। अरे तुम यहाँ, क्षमा करना। कैसे हो सर? सर मत कहो, मैं आपके बेटे जैसा हूँ। देखकर अच्छा लगा बेटा कि तुम्हारी भर्ती हो गई। वो तुम पर ये वर्दी बहुत जच रही है मेरे छोटे शैतान। बेटा आज मेरा मन खुश हो गया। जाओ ACP साहब से मिल लो, वो उस कैबिन में। सर, इंस्पेक्टर विजय रिपोर्टिंग सर। सर आज मेरा पहला दिवस है। सुन लिया मैंने। अपने ऑफिसर को सैल्यूट करना सीखा नहीं तुमने? किया था सर। फिर से करो। नाम क्या है तुम्हारा? वो भी बताया था सर। तो फिर से बोल दो, दोबारा बताने में तकलीफ है। मैंने अंदर आते ही कहा विजय, आपने मेरे वार्तालाप पर ध्यान नहीं दिया। बहुत घमंड है तुझ में। तेरा ये घमंड तो मैं बहुत जल्द उतार दूंगा। तू अभी मुझे जानता नहीं। तुझे यहां का चपरासी न बना दिया तो मेरा नाम पटनायक नहीं, पुलिस वाला है तू। वर्दी के अंदर रहना सीख, ज्यादा हीरो मत बन। पर मेरे लिए हर पुलिस वाला हीरो है सर। ध्यान लगा के पढ़ना, ठीक है मालिक। काम दिल लगा के करना, ठीक है मालिक। पैसे हमेशा ध्यान से गिनना, ठीक है मालिक। नहीं। निकलो यहाँ से, चलो। अरे बच्चे मन के भोले होते हैं, उनके हक का पैसा रखकर क्या करोगे भैया? क्यों रे, आखिर तू पुलिस वाला बन ही गया, फटाफट ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली। सब आपका आशीर्वाद है चाचा। ये आशीर्वाद छोड़ो, ये सब के सब निकम्मे हैं। ये आधे कप धंधे छोड़ देता है, ये फर्श को पोछा ही नहीं लगाता, और ये रेडियो पे गाने सुन के सो जाती है। मैं तो थक गया हूँ, अब तुम आया तो सिखाओ इन्हें। मैं सिखाता हूँ, चलो। पहले इसे पानी में मत डालो, इसे अच्छी तरह से साबुन से घिस लो। हाँ। और फिर इसे स्वच्छ पानी से धो लो। ठीक है भैया। ठीक से समझ गए ना? चाचा। हाँ। आज तो मैंने इन्हें सिखा दिया। हाँ। और इनसे काम मत करवाइए, हिंदुस्तान में बाल श्रम गैर कानूनी है। क्या बात कर रहा है? अब तू मुझे नियम सिखाएगा है? बचपन से लेके अब तक मैंने तेरी परवरिश की और तू मुझे नियम सिखा रहा है? आजा, मुझे किसी से भय नहीं है, मैं यहीं पे बैठा हूँ, देखता हूँ कौन आके मुझे पकड़ता है। चलो, ये पानी पिलाओ। यही पानी पिलाओ उनको। हाँ भाई, एक मिनट। एक और नई दुकान खोली है मैंने। हाँ ठीक है, भाई को तेरे से बात करना है। तलवार बोल रहा हूँ। परसों इलेक्शन के लिए पार्टी को पैसे दिए और आज तुम मुझे ही भूल गए। मुझे माफ करना भाई, वो क्या है कि परसों मुझे खालिद को 1 करोड़ रुपए देने पड़े। विलायत में बैठे चूजे को इतने पैसे दिए। चलो अब बताओ मुझे कितने दोगे? 5 करोड़, वो भी कल के कल। दिखाओ। ये है मुन्ना सेठ, कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा व्यवसायी है। उसके 2 बच्चे हैं। अगर हम इनको अगवा कर लें तो इस सेठ से हमें तगड़ी रकम मिल सकती है। और ये फिल्म एक्टर है। हाँ बस ठीक है। तो इधर आ। हाँ भाई, इससे कितना निकलवाना है तू देख ले। ये गिरोह अच्छी तरह जानते हैं कि कब किससे कितना पैसा निकलवाना है। जिनसे ये पैसे लेते हैं उनके बारे में सब जानते हैं। ये उनकी संपत्ति कितनी है, वो रहते कहाँ है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। उनके कार्य करने का पहला तरीका सुनिए। पहले सिर्फ वो धमकियों से काम चलाते हैं और वो धमकियां वो फोन के द्वारा देते हैं। क्या सेठ अकेले अकेले पैसा कमा रहा है? अगर आज शाम तक 2 खोखा नहीं मिला ना तो तेरी पत्नी को उठवा लूंगा और तुझे वहीं आकर ठोक दूंगा। धमकियों से बात नहीं बनती तब वो लोग बंदूक दिखाते हैं। अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक कि हत्या भी। अब हमें निपटना है 2 माफियाओं से, खालिद और तलवार। पिछले 15 सालों से खालिद हिंदुस्तान नहीं आया, लेकिन मलेशिया से अपना नेटवर्क चला रहा है। लेकिन तलवार सबकी आंखों में धूल झोंककर यहीं से अपना व्यवसाय चला रहा है। इतनी बड़ी पुलिस फोर्स होकर भी हम उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं और वो लोगों में अपना भय बिठाकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। लगता है जैसे हमसे ज्यादा ताकतवर तो वो हो गए हैं। अब प्रश्न है कि इन्हें कैसे रोका जाए? आप बताइए, मुझे बताइए, बोलिए, किसी के पास उत्तर है? हाँ तुम बोलो। वो हमें ललकार रहे हैं तो हमें भी उन्हें ललकारना चाहिए। अगर ये हंसना बंद नहीं करेंगे तो रोएंगे। हमें एक्शन लेना होगा। वो भी तो इंसान है, उन्हें भी तो जान गंवाने का भय होगा। हमने ये पुलिस की वर्दी चुनाव में प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं पहनी, न्याय के लिए पहनी है। उन्हें बिल से बाहर निकालने का अब समय आ चुका है सर। एसआई से नहीं, अपने बेटे से बात करना चाहता हूँ। अपनी टोपी उतार दो। सुबह से रात हो गई, अब तक 1 बूंद पानी नहीं पिया मैंने। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं यहीं ढेर हो जाऊंगा। और ये जो पार्टी चल रही है ये 12 बजे से पहले खत्म नहीं होने वाली। ये बताओ कि हम भूखे प्यासे कब तक ड्यूटी करते रहेंगे? क्या हम पुलिस वालों को अधिकार नहीं है जलपान करने का? मैं सही कह रहा हूँ ना? आपका भी मुँह सूख रहा है क्या? अगर तुम हाँ कहो तो थोड़ा खा पी कर आ जाएंगे हम लोग। घर पे भले ही मैं आपका बेटा हूँ पर यहाँ मैं आपका एसआई हूँ, समझे? यही तो दिक्कत है कि तुम मेरे एसआई बनकर आए हो। दे दो अनुमति, हम 10 मिनट में खा पी कर आ जाएंगे, कसम से। अपना हट नहीं छोड़ेंगे। हाँ ठीक है, जाइए। ए साहब को धन्यवाद बोलो। धन्यवाद, हो गया नाटक, जाइए और तुरंत आइए। धन्यवाद सर, चलो। हेलो गोपी, अरे क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? हेलो गोपी, कहाँ हो तुम? हम कब के पहुँच गए हैं। अच्छा आप सुनो, वो मिमिक्री आर्टिस्ट का क्या हुआ? क्या नंबर नहीं था? तुम मांग सकते थे ना। लिखो लिखो 9820645453। अब उसे फोन करके बुलाओ। क्या पूरे पैसे दे दिए? कितने बड़े बुद्धू हो तुम, बुद्धू बुद्धू कहीं के। गोपी मुझे कुछ भी नहीं सुनना, तुम कुछ भी करो, किसी को भी अरेंज करो, अक्कल के पैदल फोन रखो। उफ, अच्छा सुनो, आधे घंटे में किसी भी अरे गिरे आर्टिस्ट को अरेंज करके यहाँ भेजो। क्या कठिन काम है। अब शांत हो जाओ। सुनिए मिस्टर, मेरा फोन दीजिए। इधर आओ, देख देख देख, ये पुलिस की गाड़ी है, देख। और तुम्हारे सामने पुलिस खड़ा है और उसी के सामने तुम गाड़ी को ठोक रही हो, लात मारी हो, खरोच रही हो। मैंने किस समय? अरे बाप रे, साक्षात मुकर रही हो। नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, तुम रजनी देवी को जानते हो क्या? पहले अपना परिचय दो। प्रिया। करती क्या हो? अंदर जो पार्टी चल रही है ना, वो मेरे द्वारा ही अरेंज की गई है, तो थोड़ी सी चिंता हो रही थी सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा व्यवसाय क्या है? मैं एक पार्टी ऑर्गेनाइजर हूँ। यहाँ पर आसपास जितनी भी पार्टीज होती है ना, मैं। बहुत हो गया भाषण। आज के बाद किसी भी पुलिस वाले की गाड़ी पर क्रोध मत उतारना। जाओ, निकलो। सर। ये लो, जाओ। क्रोधी नंबर 1। आपका व्यवसाय क्या है? ये चमकते तारे नहीं दिख रहे हैं? पुलिस वाला हूँ मैं। ओह, हवलदार नजर नहीं आ रहे। जलपान करने गए। ओह, और कोई प्रश्न? जलपान। बेटी, ये तुम्हारे दूर के चचा हैं। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की बधाई हो यार। आपको भी बधाई हो। हेलो डीआईजी सर, यहाँ पार्टी में तो गोलीबारी हो रही है। क्या हो रहा है? ए हटिए, पीछे हटिए, हटिए, पीछे हटिए। इनको किसने मारा? इंस्पेक्टर विजय ने सर। कौन? वो। जी सर। ये तुमने किया है? जी सर। कितनी गोलियां बची हैं? समाप्त हो गए सर। और गोलियां नहीं रखी तुमने? नहीं सर। नियम नहीं पढ़े, और गोलियां रखनी चाहिए तुम्हें। अरविंद। जी सर। तुम्हारी बंदूक की गोलियां है ना सर, निकाल कर इसको दे दो। ठीक है सर। ले लो। बंदूक में डालो। डाल दी। मार दो इनको। क्या? मैंने कहा मार दो इन्हें। देखे बिना निशाना लगाया। मैं बंद आंखों से भी दुश्मन को ठोक सकता हूं। कल आके मुझसे मिलो। जी। नमस्कार सर। विजय आओ। सर। बैठो। धन्यवाद। तुम्हारे परिवार में कौन है? मेरा कोई नहीं है, अकेला हूं, अनाथ हूं सर। मेरा एक कार्य करोगे? कैसा कार्य? यहां खालिद का एक अड्डा है और तलवार का भी है। मैं तुमसे जो करवाऊंगा उससे इन दोनों के अड्डे बंद हो जाएंगे। यानी? आज से तुम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो। तुम्हारे पास 4 सहायक होंगे और जिनको उड़ाना है उनकी लिस्ट होगी। इस गंदगी को साफ कर दो। तुम ही इन दोनों को ललकारने की बात कर रहे थे ना, तो अब करके दिखाओ। जानते हो ऐसे घिनौने लोग चूहों की तरह होते हैं, हमारे सामने भागते हैं पर हम कुछ नहीं कर पाते। बहुत कठिन है इन्हें पकड़ना, लेकिन इन चूहों को ललचाया जाए तो ये चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। इसलिए इन्हें कैसे बिल में से निकालना है, ये तुम्हारा कार्य है। जाओ पकड़ो उन्हें और मार दो। जी सर। ये सैटेलाइट फोन है। जब भी खालिद विदेश से फोन करेगा वो इससे कनेक्ट होगा और तुम उसकी बातचीत सुन पाओगे। आपको पूरा विश्वास है वो खालिद ही होगा? हिंदुस्तान से विदेश में कहीं भी किसी भी नेटवर्क पर कॉल जाएगा वो इसी से होकर जाएगा। भारत सरकार के पास खालिद की आवाज के रिकॉर्ड हैं, तो जब भी खालिद यहाँ फोन करता है मशीन उसकी आवाज पहचान कर उसे इससे जोड़ देती है। फोन नंबर का तो पता नहीं लगा सकते पर तुम उनकी बातें सुन सकते हो, समझ गए? जी। सुनो सब लोग, देखिए ये हैं इंस्पेक्टर विजय, ये हैं राजेश, हेलो सर, किरण, हेलो, संदेश और श्रीकांत। कल तुम पुलिस एकेडमी जाकर अपना पुरस्कार ले लेना। पुरस्कार किस बात का? तुमने जिन गुंडों को मारा उनके ऊपर 3-3 लाख का पुरस्कार था, उस पर तुम्हारा अधिकार है। जी सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हाँ, ठीक से काम करना। ठीक है सर। चल क्यों नहीं बंदूक चली नहीं भाई। क्या ट्रिगर दबा रहा था फिर भी इसमें से एक भी गोली नहीं निकली। देख क्या दिक्कत है। आज मेरे हाथ से बहुत अच्छा मौका निकल गया भाई, खुद पे गुस्सा आ रहा है। ठीक है छोड़, कोई और तरकीब लगाते हैं, तुझे आराम कर। चल ठीक है भाई। भाई इसकी तो स्प्रिंग गायब है। मैंने निकाला था, ये सेठ को सिर्फ डराने के लिए था। अपने आदमी ने गोली चलाई मगर वो चली नहीं तो उसे लगा होगा ऊपर वाले की करामात है और वो बच गया। अपने आदमी को पता होता कि इसमें स्प्रिंग नहीं है तो वो सेठ को धमकाता ही नहीं। अब वो सेठ सामने से फोन करेगा और पैसा देगा। अभी बेल बजेगी। भाई शाम को 5 करोड़ पहुंचा दूंगा भाई, मेरा विश्वास कीजिए, मेरा भी परिवार है। ठीक है अब रोना बंद कर सेठ। तलवार भाई ने तेरे को माफ कर दिया है, आज शाम तक पैसा भिजवा दे। चल फोन रख। कहा था ना, इसे कहते हैं अनुभव। हाँ। अ से अनार, आ से आम। ए, ये अनार जाके अपने सर पे फोड़ो, यहाँ पे नहीं। चलो सो जाओ। कम स्वर में बोलो। ठीक है। ई से इमली, ई से एक, ऊ से उल्लू। क्या रे? भूख लगी है चाचा। बालपन से जो इतना ठूसा उससे पेट नहीं भरा क्या? सरकार तुझे पगार नहीं देती? बाहर जाओ और कुछ खा के आ। तुम्हारे हाथ का खाना है। क्या कोई कांड किया है क्या या नौकरी से निकाल दिया है तुझे? मेरा प्रमोशन हुआ है चाचा। इतनी जल्दी प्रमोशन हो गया तेरा? मैं कोई नादान बच्चा नहीं हूँ, प्रमोशन होने में साल लग जाते हैं और तेरी महीनों में हो गई। अब मैं जान लूंगा। क्या करेगा? सुनो विजय। जी सर। इस समय रेट्रो बार में तलवार का एक आदमी बैठा हुआ है, तुम तैयार हो? जी सर। वो दिखने में कैसा है, क्या पहना हुआ है, सब डिटेल्स भेज रहा हूँ मैं। आवश्यकता नहीं है, स्टडी कर ली है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ाओ। सुन, यहाँ का मैनेजर कहाँ है? आज नहीं आए। संगीत बंद कर, जाके दरवाजा बंद कर। आपकी तारीफ सर। पुलिस बंद कर। अरे संगीत किसने बंद किया? अच्छे चालू करो वापस, जल्दी। किसने बंद किया? चालू करो ना। सुना नहीं दे रहा तेरे को? और कितना टाइम लग रहा है? जल्दी चालू करना, हम लोगों को नाचना है। तूने गाना क्यों बंद किया? मैनेजर साहब ने बंद करने को बोला। फिर से चालू कर। सर वो मुझ पे चिल्लाएंगे। तेरे साहब को बोल कि मटका भाई ने गाना चालू करने को बोला है। इसकी तो चलो बिचारो। तू जानता मैं कौन हूँ? मैं तलवार का आदमी हूँ, मुझ पर बंदूक तानना बहुत महंगा पड़ेगा। तेरा नाम क्या है? बोल तेरा नाम क्या है? विजय। मैं भाई का खास हूँ, अगर उन्हें पता चला ना तो तू गया। चला मांडोली करते हैं, पूरी टोपी इस पे घुमा दूंगा और तुझे यहाँ से जाने का रास्ता। कितना पैसा चाहिए? 5 करोड़। 5 करोड़ तेरी औकात है क्या? अबे तो ठोक डालूंगा। शांत। शांत हो जाओ। मैं भाई से बात करके पैसे मंगाता हूँ। देखना तलवार भाई, तेरे मुंह पर 5 करोड़ मारेंगे, देखता जा। फोन की घंटी बज रही है, अब तो तू गया। ये नंबर सेव कर। मटका। हाँ भाई। कौन है तू? मटका फोड़ गया भाई। अबे कौन है तू? नाम क्या है तेरा? हुसैन। हुसैन कौन? अरे आपका हुसैन भाई। फोन तूने किया था या मटका ने किया था? मटका ने भाई। तो तूने फोन क्यों उठाया? कौन है तू? मटका को क्या हुआ? एक अपरिचित व्यक्ति ने तेरा फोन उठाया तो तेरी हवा टाइट हो गई। अबे काहे का गुंडा है बे तू? तूने मटका को खत्म कर दिया। तेरी भविष्यवाणी सही है, अपनी भी कुंडली निकाल के जरा देख ले। ये तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, अब तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। ढूंढो उसे, पता लगाओ कौन है वो। ए, कल कॉलेज जाना है ना, जाओ सो जाओ। बार बंद कर। उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। चलो। सुनो। बोलो। तुम दोनों कहाँ से आई हो? गोवा से। जाओ वापस जाओ। हाँ, जाना नहीं वापस। ठीक है। इंस्पेक्टर विजय का भय माफिया में फैला हुआ है, जिससे शहर में अपराध कम हो गए हैं। अगला लक्ष्य है। ये कहाँ मिलेगा? अमरी को पूछता हूँ। सलीम का पता चल गया। बढ़िया, ऐसे लगे रहो। शहर का कोना कोना ढूंढो। गोपी, जो कार्य दिया था वो अब तक पूरा क्यों नहीं किया? भाई से वादा किया था, क्या जवाब दूंगी उन्हें? हाँ? एक काम करो, तुम मुझे ऑफिस में मिलो। गोपी, यहाँ पे कुछ लफड़ा हो गया, मैं बाद में कॉल करती हूँ। हाँ? बंदूक फेंक। नहीं नहीं नहीं, मुझे भय लगता है। अरे कुछ नहीं होगा, फेंक। हाँ? अरे पैर से लात मार। नहीं 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 हो पाएगा। उस दिन तुम्हारी गाड़ी को लात मारी तो कितना डांटा मुझे। मैं नहीं मारूंगी। अरे साइको, लात मार। क्षमा मांगो। क्या? क्षमा मांगो मुझसे। कारण क्या है? उस दिन मेरी गर्दन पकड़ के ऐसे ऐसे मरोड़ दी थी ना, यही कारण है। मांगो क्षमा। तेरे से क्षमा मांगू? रुक, अभी बताता हूँ। क्षमा। अब मैं भी बोलूं? रख के। पब्लिक को मारोगे? मारूंगा नहीं, गोली से उड़ा दूंगा। किस अपराध में? गोपी, फिलहाल मैं गुस्से में हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। अपराधियों को मारना समझ में आता है जो तुम करते हो, लेकिन मासूम जनता को, जिन्हें कुछ लेना देना नहीं, उन्हें क्यों बीच में घसीटते हो? कैसे पुलिस वाले हैं आप? ए, इसकी जन्म पत्रिका निकालो। ठीक है। जो पुलिस को कायदा सिखाती है। तू थाने में मिल। मैं वहाँ नहीं आऊंगी। नहीं आओगी? शहर में इवेंट्स करवाने हैं ना तुझे। क्या सर, आप तो गंभीर हो गए। नौटंकी बंद कर। आधे घंटे में थाने आ जाना। सर, पहचान पत्र। हाँ? पहचान पत्र दो। बस गए। तुम्हारा लाइसेंस क्यों जब्त किया? ऐसा क्या कारण था? यही ऑफिस है? शायद यही है। ये भी था वहां पर। इस पर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं सर, पर यह फरार है। मेरी बेटी को यहाँ बुलाया गया है। किसने बुलाया है? मैंने। क्या ये पुलिस स्टेशन है? कोई संदेह? ना यहाँ कोई जेल है, ना ही कोई यहाँ वर्दी में है। ये कैसा पुलिस स्टेशन है? कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस होने का प्रमाण दो, आईडी कार्ड दिखाओ। सुनाई नहीं दिया? आईडी कार्ड दिखाते हो या नहीं? मैडम चाकू अंदर रखिए। ए, आईडी दिखा रहे तेरा, वरना लेडी सिंघम तेरा मुंडन कर देगी। शुभ नाम क्या है? श्रीमती रजनी। किचन का चक्कू यहाँ क्यों लेकर आई है? सुरक्षा के लिए। हिफाजत। हमें पुरुषों से बहुत घृणा है। क्यों, पुरुषों ने ऐसा क्या किया है? वो छोड़ो, मुद्दे की बात करो। मेरी बेटी को यहाँ क्यों बुलाया है? आज इसकी वजह से मेरे प्राण जा सकते थे। क्या? मेरी वजह से? तू शांत रह, मैं बात कर रही हूँ ना। जाने वाले थे, गए नहीं ना, जीवित हो ना। अगर उस समय मेरी बेटी वहाँ नहीं होती तो खुद ही जाकर लेते ना, इसमें इसका क्या दोष है? लेकिन उस समय आपकी बेटी वहीं उपस्थित थी ना, वो चाहती तो मेरी मदद कर सकती थी। इसे नहीं करनी थी तो क्या जेल में डालोगे? आप इतनी तिलमिलाई हुई क्यों है? अकेले जीना बहुत ही कठिन है, ये तुम नहीं समझोगे। अकेलापन खाया जा रहा है आपको। आपके सारे गुण और विचारधारा आपकी बेटी में आए। पुरुषों से घृणा करना बंद कर दीजिए मैडम। जीवन की गाड़ी अकेले मत खींचिए। पुरुष के बगैर स्त्री कुछ नहीं, स्त्री के बगैर पुरुष कुछ नहीं, यही संसार का नियम है। मैं नहीं मानती ऐसे नियमों को। बेटी की फिक्र है कि नहीं? ऐसे विचार से तो बेटी कुंवारी रह जाएगी। लड़का अगर इसे पसंद करेगा तो आपकी वजह से मना कर देगा। ऐसा क्या? कुंवारी रहेगी तो मेरे लिए और अच्छा है। क्यों? तुम्हारे क्यों का जवाब मैं क्यों दूं? हमें किसी पुरुष की जरूरत नहीं। तुम जैसे पुरुषों को ऐसी औरत मिलनी चाहिए ना, जो रोज तुम्हारी अच्छे से धुलाई करे, है ना? आपके विचार इतने महान होंगे, पता नहीं था। नमस्ते सर। तुम कौन हो? आपके पड़ोस में ही रहता हूँ, मेरा नाम रंगीला है। करते क्या हो? एक गुप्त व्यवसाय है, बाद में बताऊंगा सर। बोलता है कि अंदर डालूं? लड़कियों के संबंध में कुछ बात है। बैठ, बात करते हैं। ठीक है सर। हमारे जाने के बाद उससे रिश्वत लेने वाले हो? आप मेरे काम में दखलंदाजी मत करिए, जाइए यहाँ से। तुम आधा खिसकी हो, तुम्हारी माँ पूरी खिसकी हुई है। ओ मैडम, इसे धार करवा लेना और सिर्फ टिंडी बिंडी काटना। जानते हो, ये कुछ भी कर सकती है। आइंदा मुझसे भिड़ना मत। ए, इसे अंदर डाल। मम्मी ठहरो ठहरो। तू इधर आ। जी। खोल के बता, क्या कहना है? लड़कियों से मैं जो व्यवसाय करवाता हूँ ना, उसके लिए मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। तेरे यहाँ कितने लोग काम करते हैं? 10 से 15 हैं सर। मुझसे क्या मदद चाहिए? कभी लफड़ा हुआ तो संभाल लेना सर। उनकी मजबूरी का फायदा मत उठाना। कोई भी लड़की इस व्यवसाय में अपनी मर्जी से नहीं आती। ठीक है सर। दिखा मुझे, ये जगह किसकी है? मेरी है सर, पहले मैं यहीं पर रहता था, अब मैं यहाँ धंधा करता हूँ। मैंने लाइसेंस बनवाने दिया है, बस तब तक आप संभाल लीजिएगा। अच्छा। यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ हैं सब यहीं पर रहती हैं सर। चांदनी, शबनम, रेशमा, पूजा, सुनीता, बबीता, कविता, यहाँ आओ, इनसे मिलो। ये है इंस्पेक्टर विजय। नमस्ते करो। नमस्ते सर। चलो अब नाम बताओ। चांदनी, शबनम, रेशमा। मेरा नाम विजय है, यहाँ का ऐसा है। तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझो। ये टिल्ला मुझे हर महीने 2 लाख रुपए देने वाला है। वो पैसे मुझे नहीं चाहिए। ए टिले, वो 2 लाख मेरी बहनों में बांट देना। जी साहब। नहीं देगा तो मुझे बता देना। धन्यवाद साहब। ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है, बदले में थोड़ी देश सेवा कर लो। क्या करना होगा? तुम लोगों का पाला बहुत सारे पुरुषों से पड़ता होगा। कुछ अच्छे घर से आते होंगे, कुछ गुंडे भी आते होंगे। तुम्हें उनकी पहचान तो होगी। है साहब। ऐसे भी लोग होंगे जो जेब में बंदूक रखते होंगे, फोन पे सुपारी लेन देन की बात भी करते होंगे। जी जी हाँ, देखिए साहब। हाँ, तो ऐसा ही कोई देर शाना भाई चांदनी रात में तुम्हारे पल्ले पड़े तो तुरंत इस भाई को याद कर लेना। ठीक है साहब। मेरा नंबर लिख लो, 999100। क्या रे लाला, सारा पैसा अकेले ही हड़पेगा? अरे आपके जन्मदिवस तक पहुंच जाएगा। किसी भी समय मुझे फोन कर सकते हो सर। ठीक है, सैटेलाइट पे कॉल आया है। कोई कुछ नहीं बोलेगा। और अगर मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला तो वो तेरा मरण दिवस होगा। भरोसा रखिए, मैं भेज दूंगा। और आपको एक बात बतानी थी, अपने काम में नई रुकावट आई है। सुना है शहर में नया एसआई आया है, आते ही अपने 4 आदमियों को धक्का दिया। उसकी कुंडली निकाल। उसका नाम विजय है भाई, बहुत पंख निकल आए हैं। कहो तो काट दूं। अरे मुन्ना थोड़ा सब्र रखना सीख, नई चिड़िया है, घोंसले से अभी निकली है, थोड़ा आसमान में उड़ने तो दो। लाला हीरो का व्यापारी है ना? जी सर। कहाँ रहता है? क्यों पूछ रहे हैं सर? उसकी चमक फीकी करके आते हैं। ठीक है भाई। अरे लाला मैंने गिद्धों को नहीं छोड़ा, फिर ये तो चिड़िया है, पर काट देंगे। बाकी बोलो भाई, वहाँ पे सब कैसा है? सब ठीक है ना? उठ बे, तेरे गले का नाप लेने आया हूँ। कपड़े की फिटिंग तो सही पहनता है बे, तो धंधा भी सही किया करना। अब तक रिश्वतखोर पुलिस वालों से पाला पड़ा होगा, लेकिन मैं वो पुलिस वाला हूँ जिसे देखकर अच्छे अच्छों की पैंट गिली हो जाती है। जैसे धोबड़ा चमक रहा है ना, वैसे हीरे को चमका, वरना घिस के तेरी चमक को फीकी कर दूंगा। अगला नंबर तेरा होगा बे। अब तो ये गया। अरे परसों ही कहा था ना तुमसे कि स्कूटी में पेट्रोल भरवा देना, तो भरवाया क्यों नहीं बुद्धू? अच्छा ठीक है, देखती हूँ कोई मदद मिले तो। रुको रुको, शायद बात बन जाए। 1 मिनट रुकिए प्लीज। लिफ्ट मिलेगी? लिफ्ट लेते वक्त स्त्री पुरुष नहीं देखती हो? गोपी की आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है, बाद में कॉल करती हूँ। ये सहरा हटाएंगे? ओह आप हैं। क्यों बैठना नहीं है? बैठना है ना। आसन ग्रहण कीजिए, लेकिन उचित दूरी भी रखिए। ब्रेक मत मारना। अच्छा ये बताइए, गोपी कौन है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? तुम्हारी तो पुरुषों से घृणा करती हूँ, वो मेरा असिस्टेंट है। ओह, असिस्टेंट रखने के लिए एक पुरुष ही मिला था? मातोश्री से आज्ञा ली थी। तेरा तो गला अब दिमाग खा रहा है। ये बताओ, ऊपर की मलाई कितनी मिलती है? ईमानदारी से तो काम करती नहीं होगी तुम। कुछ खास नहीं सर, बस दाल रोटी मिल जाती है। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा फर्क पड़ा है, वरना अच्छा चल रहा था। मुझे जहाँ उतरना था वो जगह बस आगे ही है, छोड़ दीजिए। धन्यवाद। आइंदा लिफ्ट लोगे तो चार्ज करूंगा। आइए सर। सर ये है मेरी पत्नी। अरे तू कैसा बाप है? बच्चा हुए 3 दिन हो गए हैं और तेरा आता पता भी नहीं है। पैसे कौन भरेगा? अब जल्दी जाओ और पैसे भर दो। इनका बिल कितना हुआ? 30,000 रूपए। मेरे पास 5 पड़े हुए हैं। 25 निकाल। इतने अधिक पैसे? अभी इन्होंने 30,000 कहा ना, गणित में कच्ची हो क्या? चलो दो। अब जीवन में ये आ गई है तो कोई गलत काम नहीं करूंगा। लक्ष्मी जैसी पत्नी ने सरस्वती को जन्म दिया है, कानून की मदद करके पाप धो ले। हाँ। अच्छी देखभाल करना इसकी, जरूरत पड़ी तो फोन करूंगा। ठीक है साहब। साहब मेरी बेटी का नामकरण कर दीजिए ना। हाथ से इसका नाम प्रिया। अच्छा नाम। उसे मेरा नाम दे दिया, ऐसा भला क्यों? 25,000 देना, तुम्हारा हक पहला बनता है। अरे अरे अरे, वो पैसे मैंने कुछ दान में नहीं दिए, वो तो तुम पर उधार हैं, वापस करने पड़ेंगे। रो मत, दे दूंगा। मुझे एक इवेंट करवाना है, करोगी? सच में? हाँ। क्या करना है? मैं पाठशाला खोल रहा हूँ अनाथ बच्चों के लिए। बड़ा नेक काम है। धन्यवाद। 1 मिनट। हाँ गोपी, बाद में कॉल करना, अभी मैं व्यस्त हूँ। क्या बात है, अनाथों के लिए पाठशाला, बहुत अच्छी बात है। मुझे सारी जानकारी चाहिए, जैसे कि पाठशाला कहाँ खोल रहे हैं, कितने बच्चे आएंगे, भोजन किस तरह का होना चाहिए, और मुख्य अतिथि को बुलाना है क्या? बुला लेंगे। किसी? आइए चाचा। सहारा नहीं चाहिए। आप ही की प्रतीक्षा थी। मेरी प्रतीक्षा? आप ही तो मुख्य अतिथि हैं। तू सठिया गया है, इनके होते हुए मैं मुख्य अतिथि बनूंगा? ये आपके आशीर्वाद से ही तो हुआ है। मेरे ये शुभ काम आप कीजिए। नहीं नहीं आप कीजिए। काटे ना चाचा। अरे कैंची तो दे। चल रहा। चाचा जी के आशीर्वाद से और डीआईजी साहब के प्रोत्साहन की वजह से मैं इस पाठशाला का आरंभ कर रहा हूँ। अब तक मैं जितने गुंडों का एनकाउंटर कर चुका हूँ, सरकार ने उन पर 1 करोड़ की इनाम की राशि रखी थी। वो राशि मुझे इनाम के तौर पर मिली और मैंने पाठशाला बनाई। यहाँ बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते हैं। आज से ये सारे बच्चे यहीं पर रहेंगे और उनका भविष्य यहीं से वो संवारेंगे। तुम लोगों की तरह मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन इस बात का पछतावा कभी मत करना। लेकिन भविष्य में एक नेक इंसान बनकर दूसरों के काम जरूर आना। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य है सर। हाँ, मन लगा के पढ़ना। अच्छा पक्का पढ़ूंगा। बड़े होकर क्या बनोगे? पुलिस वाला बनूंगा। ओह, ये तो अच्छी बात है। तुम क्या बनोगे बेटा? इंस्पेक्टर विजय। तुम क्या बनोगे? मैं भी विजय बनूंगा। और बेटा तुम? मैं भी वही बनूंगा। क्या बात है, सब तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं। हाँ सर। और तुम क्या करोगी? मैं इस विजय के दिल पे राज करूंगी। क्या कहा? अनाथ बच्चों के लिए पाठशाला खोली, वो भी मेरे पैसे से। मेरे सभी आदमियों को एक एक करके चुन चुन के मारा है उसने। हाँ, उसे जल्दी ठिकाने लगाना है, वरना हमें अपने धंधे हमेशा के लिए बंद करने पड़ेंगे। उसकी वजह से हम लोग भिखारी बन जाएंगे। हर तरफ विजय के ही चर्चे हैं। तंग आ गया हूं मैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उड़ा दो उसे जाके। ओह, तुम हो? अरे वाह, तुम रसोई घर भी संभाल सकते हो। तुमसे शादी करने वाली कितनी भाग्यशाली होगी ना। मतलब किसी दिन उसे खाना बनाने का दिल न करे तो तुम खाना बना सकते हो। हाँ, क्या क्या बना लेते हो? यहाँ पे क्यों पधारी हो? ये क्या है? बाकी का हिसाब। अदरक वाली चाय। धन्यवाद। क्या क्या डाला है इसमें? पुदीना, तुलसी और मसाले पीस के डाले। 10,000 का कोल्ड ड्रिंक। बच्चे बड़े मिलकर 100 लोग थे। बच्चों को कोल्ड ड्रिंक पसंद होता है, इसीलिए 1-2 क्या एक साथ 10-10 बोतल पी गए। 300 कुर्सियाँ क्यों लगाई? 90 से काम चल जाता। बेकार में खर्चा। इतनी चिंदीगिरी करते शर्म नहीं आती तुम्हें? ये कुछ भी नहीं है, इससे भी महंगे इवेंट्स करवाती हूँ। अगले इवेंट में मैं प्राइम मिनिस्टर को बुलाने वाली हूँ। जानते नहीं हो मुझे? अगर ऐसा था तो स्वयं ही समोसे और कोल्ड ड्रिंक बांट देती, मुझे क्यों बुलाया? नहीं जानती थी कि इतने बड़े कंजूस हो। चाय पिलाई, डिस्काउंट दो ना। ये लो तुम्हारे बचे हुए पैसे। धन्यवाद। और ये तुम्हारे 25,000। कौन से 25? वही जो तुमने हॉस्पिटल में दिए थे। अच्छा, वो मैंने मांगे तुमसे? क्या? नेक कार्य में तुमने मुझे भी हिस्सा बनने का मौका दिया, अब पैसे लेकर मैं उसका मान कम कर दूं? अरे तुमने पैसे दिए या मैंने पैसे दिए, दोनों के पैसे एक ही तो है ना। अब हम दोनों में तेरा मेरा कैसे कर सकते हैं? मैं नहीं लूंगी। तुमने चाय पिलाई ना, टिप समझ के रख लो। मैं जा रही हूँ। मैं किसी का उधार नहीं रखता, पैसे लेती जाओ। बैंक में ज्यादा है क्या? बहाना नहीं चाहिए। थोड़े मुझे ट्रांसफर कर दो। एक बार मना किया ना, रखो अपने पास। बड़ा आया, मुझे पैसों का रोक दिखाता है, पता नहीं क्या समझता है खुद को। कैसे बच गया? भाई भाई मेरा निशाना चूक गया भाई। कर, शहर का सबसे बड़ा निशानची है ना तू, कैसे चूक गया? आखिरी मौका देता हूं वरना तू खत्म। मुझे फर्क नहीं पड़ता तू काम को कैसे अंजाम देता है, मगर उसे कुछ भी करके मार। उसके घर में घुस के उसे गोली मारना, वरना मेरे सामने मत आना। जा। ये क्या है? क्या हुआ माँ? विजय की तस्वीर तेरे पास कैसे आई? और इस पर लिखा है आई लव यू। उससे प्रेम करती हो क्या? प्रेम? बिल्कुल भी नहीं माँ। तुम्हें पता है ना मुझे पुरुषों से घृणा है। तो फिर ये आई लव यू किसने लिखा है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, उसी से पूछ लो ना। किताब तेरी है तो उससे क्यों पूछूं? ठीक है, सारी सच्चाई बताती हूँ तुम्हें। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ ये कहकर मेरे पीछे पड़ा रहता है, हमेशा मैसेज करता है, फोन करता है, जहाँ जाती हूँ मेरे पीछे पीछे आ जाता है। उसके सारे मैसेज तो डिलीट कर दिए, इसे फाड़ना भूल गई, इतना ही। मुझसे झूठ बोल रही हो ना? तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा माँ? मेरी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हें अपनी बेटी पर विश्वास नहीं है? अब तुम्हारे ही तो संस्कार हैं मुझ में। तुम्हारी कसम। हट, कसम नहीं चाहिए, स्कूटी की चाबी चाहिए। स्कूटी की चाबी दो। विजय से मिलना है। अरे मैडम मैडम ठहरिए, रुकिए। ठीक है सर। लाज शर्म है कि नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऊंचे स्वर में बात क्यों कर रही हो? तुम्हारी हरकत की वजह से मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो? हर वक्त उसे मैसेज क्यों करते हो? मेरी बेटी को फंसाना चाहते हो? समझते क्या हो अपने आप को? खबरदार मेरी बेटी के पास फटके भी तो। तुम क्या किसी की भी गंदी नजर उस पर नहीं पड़ने दूंगी। छी, एक पुलिस वाले होकर ऐसी गंदी हरकत करते हो? ये सब आपकी बेटी ने बताया? तुम जैसे पुरुषों को ना मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। तुम सिर्फ प्रेम का ढोंग करते हो, मैं अच्छे से जानती हूँ। मेरी माँ ने भी किसी से प्रेम किया था पर उन्हें भी धोखा मिला। मैंने भी किसी से प्रेम किया था पर उसने मुझे धोखा दिया। लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम कामयाब नहीं होगे। मैडम आप बात का बतंगड़ बना रही हैं। एक बार प्रिया को यहाँ ले आइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या कहा? मैं अपनी बेटी को यहाँ लेकर आऊँ? सुन ले, होगा तो बड़ा अफसर, लेकिन मैं अपनी बेटी को तेरे चंगुल में नहीं फंसने दूंगी। मुझे हल्के में मत लेना, सब जला दूंगी। क्रोध पर नियंत्रण रखिए। मैं ना ही आपकी बेटी के पीछे पड़ा हूँ, ना ही कोई मैसेज लिखा है, और मैं भी इस कच्ची उम्र में शादी नहीं करना चाहता हूँ। आखिरी बार कह रही हूँ, उसका पीछा छोड़ दो। मैंने उस पर आंच तक नहीं आने दी है और ना ही कभी आने दूंगी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि उसे हमेशा के लिए भूल जाओ। उसे बख्श दो। अरे याद होगी तो भूलूंगा ना। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा ये थाना। जरूर माँ वहीं गई होगी। मैं नहीं उठाऊंगी। भैया ये पपैया कैसे दिया? 60 रुपए डजन। हाँ? पूरा बगीचा नहीं मांग रही हूँ। अरे यही भाव है, लेना है तो लो नहीं तो जाओ। देखो इतने पैसे तो नहीं दे सकती, देने का भाव बोले तो ले लूंगी। सुनो नहीं होगा। ठीक है, जो हुआ उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तुम्हारे बारे में मैंने माँ से झूठ बोला। अगर अभी भी तुम गुस्सा हो तो ये गाल भी हाजिर है। मारो ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मारो। सोच क्या रहे हो? इतना जोर से भी कोई मारता है क्या? इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो? मैं तो मस्ती कर रही थी। मस्ती? तुम्हारी माँ तिल मिलाते हुए थाने आई थी। हाँ? सबके सामने अपमान किया मेरा। कह रही थी हम दोनों के बीच में चक्कर चल रहा है। मैं रोज तुम्हें मैसेज करता हूँ, ऐसा क्यों कहा? मैं सच बताती हूँ। मैंने किताब में तुम्हारी फोटो रखी थी और माँ ने वो देख ली। मैं उस वक्त घबरा गयी थी, इसीलिए झूठ बोलना पड़ा। मैं ही मिला था। इस षड्यंत्र में मुझे क्यों शामिल किया? अरे ये कोई षड्यंत्र थोड़ी ना रचा है मैंने। कैसे बुद्धू हो तुम? तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता। मुझसे प्रेम करती हो? क्या तुम नहीं करते? नहीं करता। अरे तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? तुम्हें मुझ जैसी लड़की कहाँ मिलेगी? हाँ तुम जैसी नमूनी एक ही है। विजय तुम्हें हो क्या गया है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें मेरे लिए कोई भावनाएं नहीं है। हमेशा सोचती थी कि मैं तुमसे दूरी बनाए रखूंगी, पर पता नहीं कब तुमसे प्रेम कर बैठी। अपने प्रेम के चक्रव्यूह में घेरने के लिए तुम्हें मैं ही मिला था। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बड़े बड़े सपने देख कर रखे हुए हैं। पर मेरे सपने में तुम ही आते हो। उन सपनों का क्या करूँ? सोना बंद कर दो, सपने नहीं आएंगे। माँ पुरुषों से नफरत करती है और बेटी के दिमाग में प्रेम का भूत सवार है। वो पूरब है और तुम पश्चिम। अब इतना क्यों भाव खा रहे हो? मेरे प्रस्ताव के लिए हाँ नहीं कर सकती क्या? हाँ बोल दूं। और वो भी तुम्हें। अरे बहुत सारी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी है, मैं तुम जैसी झूठी लड़की को हाँ क्यों बोलूं? हाँ? सुनो, आखिरी बार पूछती हूँ, हाँ या ना? ना। ए, ये तुम डरावनी शक्ल क्यों बना रही हो? कहीं कंचना की चुड़ैल तुम्हें तो नहीं आ गई? हाँ, कंचना, कंचना ही समझ लो मुझे। छुरी, भैया छुरी कहाँ रखी है? मेरे थैला में क्यों चाहिए? दिमाग को दही मत करो। ए, ए, क्या क्या है इस बोतल में? विलायती थर्रा पी रहा हूँ। वो किस लिए? दुख भुलाने के लिए। ये मुझे तो, मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ। चाहिए तो पैसे ले लो। पी रहा है, ले लो तो दो। गटा कर लो। ए, नींबू पानी नहीं है जो गटक रही हो? बाप रे, बोतल खाली कर दी। बंकस मत करो, जरा असर होने दो, फिर बात करते हैं। बाकी की पी लो। धन्यवाद। ए, मेरे को ठुक रहा है। कौन से चक्के का आटा खाती हो? माँ सही बोलती है। पुरुष एक जैसे ही होते हैं। ए, हाँ, हाँ क्यों नहीं बोला रे? देख, मेरे जैसी लड़की नहीं मिलेगी तुझे। ए, तलाशी ले। तू जा, चल तो निकल। हाय। नाम क्या है तुम्हारा? चांदनी। 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 चांदनी बोल रही हूँ। मैं जिस आदमी के पास आई हूँ उसके पास बंदूक है। देखो फोटो। मैं आपको एड्रेस मैसेज करती हूँ। बंदूक दे। क्या कर रहा है? ए, क्या कर रहा है तू? तू ऐसा नहीं कर सकता। ए विजय, ए ऐसा मत कर। ए विजय, गोलियां कहाँ हैं? क्या कर रहा है तू? खत्म हो गई है। ए, ए मेरी बात सुन। तेरी बंदूक दे। मेरी बात सुन, बैठ के बात करते हैं। क्या? मेरे पास भी नहीं है। सुनो मेरी बात, गोली मत देना उसे। अरे मैं कह रहा हूँ गोलियों को बहुत पैसा दूंगा। अरे क्या कर रहा है? जल्दी गोलियां निकाल। उसे गोली मत देना। गिरफ्तार करो। सर एक मिनट, आपके पास गोलियां हैं? हाँ हैं। क्यों? इसे खत्म करने के लिए। उसकी आवश्यकता नहीं, इसे गिरफ्तार कर रहे हैं। गिरफ्तार करके क्या होगा? कोर्ट में ले जाओगे और जमानत पे रिहा हो जाएगा। गोलियां दे। मत देना। क्यों भाई, तू इसे मारकर एक और मेडल लेना चाहता है क्या? तो आप ही इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। ये लीजिए। क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? वार्तालाप में समय मत गवाइए, इसे उड़ा दीजिए। देखो, तुम मुझे मत सिखाओ, गिरफ्तार करो इसे। देख लूंगा तुझे। तू गया विजय। इसे भनक कैसे लगी? मेरे रचाए चक्रव्यूह का भेद किसने खोला? सर, इसका एनकाउंटर क्यों नहीं किया? अब आप क्या करेंगे सर? दीजिए। इन्हें क्या? अंडरवर्ल्ड डॉन तलवार आखिरकार गिरफ्तार हुआ। तलवार के कई अवैध धंधे थे जो इंस्पेक्टर विजय ने सारे के सारे बंद करवा दिए थे। उसका भाग्य अच्छा है जो आज बच गया, लेकिन कभी ना कभी तो मेरे हाथ लगेगा। इसका बाप अभी बचा है, खालिद। वो दिवस दूर नहीं है जब उसकी खोपड़ी में 6 की 6 गोलियां उतार दूंगा। हम जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि तलवार को कितनी बड़ी सजा मिली। तलवार के ठिकाने के बारे में किसने बताया सर? सर जवाब दीजिए सर। सर तो जानकारी दीजिए। अब चुप क्यों है? सर प्लीज सर। सर फोन आ रहा है। बहुत समय दिया तुझे। तू जानता नहीं तूने किसके गिरेबान में हाथ डाला है। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे हर पल की खबर है तुझे। हमें टीवी के फिल्मी हीरो दम है तो सामने आके दिखा, मैं चीर के रख दूंगा। एक तुच्छ पुलिस वाला है तू, कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। ऐसी मृत्यु दूंगा कि मृत्यु भी थर्रा जाएगी। अरे तेरे ये पुलिस वाले मेरे तलवे चाटते हैं, मेरे फेंके हुए टुकड़ों पर पलते हैं ये। एक फोन करूंगा और तेरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो विदेश में छुपके क्यों बैठा है? तेरी क्या? अरे अगर हिम्मत है तो हिंदुस्तान और सामने बैठ कर वार्तालाप कर। भौंकना बनकर टॉन्सिल फट के बाहर निकल जाएगा। अब मैं बोलूंगा और तू सुनेगा। अपने आप को क्या समझता है हा? जिन आदमियों के सहारे तो इतना उछल रहा है, उन्हीं को अगर मैं ढेर कर दूंगा तो क्या होगा तेरा? मैं जानता हूँ हिंदुस्तान में तेरे चूहे किस बिल में छिपे हैं। तेरा सर्वस्व चकनाचूर कर दूंगा। तू इस फौलाद को मारने की सोच रहा है ना? दम है तो आके मार के दिखा। बहुत उछल रहा है तू। तेरे परिवार की सारी कुंडली मेरे मस्तिष्क में छपी है। तेरे परिवार का कौन सा सदस्य किस गली नुक्कड़ में रहता है सब पता है मुझे। तेरे चाहने वालों के मोबाइल नंबर, गाड़ी नंबर, सब कुछ छप चुका है पुलिस की पुस्तक में। मैं तेरे लिए खुद शमशान घाट गया था, कब्र भी बुक करवा दी। तेरे सारे अवैध कामों का चिट्ठा है मेरे पास। तेरे ड्रग्स की तस्करी हिंदुस्तान में देवेंद्र और दुबई में शकील संभालता है। $40 का कारोबार तूने कैसे फैलाया इसकी भनक है मुझे। तेरे अफ्रीकन डीलर पेड्रो को जिस दिन कान के नीचे बजाऊंगा वो सब उगल देगा। सुनना चाहता है और कौन कौन से अपराध करता है तू? दुबई से हिंदुस्तान में नकली सोना इंपोर्ट करके तू बच जाएगा ये मत सोचना। मैच फिक्सिंग करवा कर कितने अरबों खरबों तूने अपनी झोली में डाले इसका अंदाजा है मुझे। वायरस के धंधे में तो तूने PhD करके रखी है। देश विदेश में हिंदुस्तानी फिल्मों की पायरेसी करके बेचता है ये भी मैं जानता हूँ। क्यों? कोरिया में शुजोंग तेरे लिए काम करता है ना, वो पायरेटेड DVDs दुनिया को कम रेट में बेचता है। इस देश में तूने काफी बार चक्का जाम करवाया है। आज तक तूने जितने आतंकवादी हिंदुस्तान भेजे उन्हें पाताल से भी ढूंढ कर निकालूंगा। सब खलास। तेरे हर एक मोहरे को मैं घसीटते हुए फांसी के फंदे तक पहुँचाऊंगा। अफगानिस्तान में गैर कानूनी इमारतें, मस्कत में मॉल जिसे मकबूल संभालता है। तेरे जुर्मों का पिटारा कानून की तिजोरी में बंद है। अगर एक एक कलम तुझ पर लगाऊंगा ना तो वो भी कम पड़ जाएंगी। क्यों रे साहब, सुन गया? मुझे तू बहुत हल्के में ले रहा था ना। अबे तेरा भी बाप हूं मैं, समझा? तुझे क्या लगता है पुलिस वाले तेरे गुलाम हैं? हा? कुछ होंगे जो तेरी चापलूसी करते होंगे, लेकिन इस विजय के माथे पे विजय तिलक है जो तुझ जैसे के सामने नहीं छुपता। शांत हो जा भाई। संबंध मत जोड़, मैं तेरा कोई भाई भाई नहीं हूँ। तेरे फायदे की बात करता हूँ, हम दोनों मांडवली कर लेते हैं, दोनों खुश। तू इंस्पेक्टर विजय के साथ मांडवली करेगा? तुझे देखते ही ठोक दूंगा। तेरी लाश पे भी हार मैं ही चढ़ाऊंगा। इसीलिए कह रहा हूँ समर्पण कर दे। तेरे पापों का घड़ा कभी भी फट जाएगा। तेरे भागने के सारे रास्ते मैंने बंद कर दिए। तू गया नहीं छोड़ूंगा। भाई 6 महीना हो गया उस भगू ने एक पैसा भी नहीं दिया और फोन भी नहीं उठा रहा है। लैंडलाइन नंबर पर कॉल कर, मैं उससे बात करूंगा। हेलो। ए भगू चंद को फोन दे। नाम क्या बताऊं? मेरी आवाज सुन के पहचान लेगा। फोन दो उसको। नाम नहीं बताऊंगी तो फोन मुंह पे फेंक के मारेंगे मेरे। ए भाई बोल रहा हूँ, बोल उसको। किसका भाई? उनका भाई या पड़ोसी के भाई? अरे मैं खालिद भाई बोल रहा हूँ। वैसे आप बड़े भाई हैं छोटे? वो मैं तुझे क्यों बताऊँ? अखबार में फोटो नहीं देखा? अखबार में? अंग्रेजी में या हिंदी में? अरे पागल औरत, मेरे पे चिल्लाने का नहीं। जा, मेरे को तेरे से बात नहीं करनी। भगू चंद घर पर है या बाहर गया है? वो इस समय घर पर नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम, वो घर में ही छिपकर बैठा है। फोन सेठ को दे नहीं तो फोन में घुस के मारूंगा। मेरे को मारने वाले का जन्म नहीं हुआ है। तेरे को विश्वास नहीं है तो यहाँ आके खुद देख ले वो है कि नहीं है। ए पागल बुढ़िया, जब सेठ आए तो बोलना मुझे फोन करे। नंबर बोलो। 00। धीरे धीरे बोल। 00। इतना धीरे बोलेगा तो मैं सो जाएगी। ए! तेरे सेठ को बोल, अगर 10 करोड़ नहीं दिए तो जान से मार दूंगा। 10 करोड़? वो भी तेरे को? अरे 3 महीने से मेरिज पगार नहीं दिए, वो तेरे को क्या देगा? मेरे को 2 बातें अच्छी नहीं लगती। सबसे पहली, मुझे उनसे नफरत है जो मुझसे झूठ बोलते हैं, उन्हें मैं छोड़ता नहीं। और दूसरी, जो मेरा पैसा खाता है वो भी पसंद नहीं। उस भागू चंद ने वही गलती की है, उसकी सजा मिलेगी उसे। जैसे वो भागू चंद बाहर निकले ठोक दे उसे। ठीक है भाई। और साथ में वो बड़बड़ी बुढ़िया को भी। आपने उसके साथ बात की? हाँ की थी। क्या बात हुई? यह हत्या आप ही के कारण हुई है। हाँ? मेरे सिर्फ फोन पे बात करने से उनको मार डाला क्या? हत्यारे को पहचान लोगी? हाँ अच्छी तरह से। कैसा दिखता है? एकदम आपकी तरह चिकना। वो हत्यारा इसी स्टेशन पर उतरने वाला है। जिस पर भी संदेह हो उसे पकड़ लेना। ए, सर वो जो काली टोपी में है उसे साइड में ले। वो काले चश्मे वाला उसे भी साइड में लो। उस काले टी शर्ट वाले को भी लो। ठीक है सर। चल क्यों पकड़ रहे हो? कौन हो तुम? ए, कौन हो तुम? लेकिन मुझे चल साइड में। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कौन हो तुम? साइड पे आ। अरे आप कौन है? ए, तेरा नाम क्या है? नतेश हूँ सर। करता क्या है? विद्यार्थी हूँ सर। ए, इसे भी ले रहे। जी आप कौन? पुलिस। ए, उसे क्यों जाने दिया? उन्हें लगता नहीं है। उसकी सूरत पे लिखा है क्या? ठीक है सर। चलो नीचे बैठो। चलो। बाप का नाम क्या है? क्यों? तेरे बाप का नाम क्या है? क्यों पूछ रहे? तेरा नाम? मयंक। खुद का नाम बता दिया लेकिन बाप का नाम याद नहीं आ रहा है। भागता कहाँ है बे? हथियारा मिल गया है, छोड़ दो उन सबको। चलो निकलो यहाँ से। निकलो साहब, चलो। जेल में अच्छे से इसकी सेवा करना। ठीक है सर। चल चल चल। क्या मैडम, क्या हालचाल? फ्रेश लग रही हो। आज का कोटा लेना भूल गई हो? मैं कोई बेवड़ी टाइप की लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुमने मेरे प्रेम को ठुकराया था ना, इसीलिए बहक गई थी। जो बात अपने दिल में दबा कर रखी थी वो आज कह देता हूँ। सॉरी। और वो किस लिए? तुमने उस दिन आई लव यू कहा और मैंने मना कर दिया, इसलिए सॉरी। तो क्या आरती उतारूं तुम्हारी? मुझ में कमी क्या है? क्यों पसंद नहीं हूँ मैं? एक कमी हो तो बताओ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। अब और कितना नीचे गिराओगी मुझे? तुम्हारे लिए मैं अपनी माँ के संस्कारों के खिलाफ गई। जानती भी हूँ मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। बताओ कैसे बची हूँ तुम्हारे बिना। मरने का कोई रास्ता तुम ही बता दो। नौटंकी बंद कर, चल उठ, चल। छोड़ो मेरा हाथ। मैंने सोचा था कि आज नहीं तो कल तुम्हें मुझसे प्रेम होगा, पर तुम तो एक नंबर के अड़ियल हो। प्रिया, मेरी बात सुन। मुझे पता है तुम क्या बोलोगे, मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। मेरी जिंदगी खतरों से भरी हुई है। आज तक मैंने कई एनकाउंटर्स किए हुए हैं, बहुत से दोषियों को जेल भेज चुका हूँ। इतने शत्रु पाल लिए हैं कि मेरी जान कब चली जाए ये मुझे खुद भी नहीं पता। सुबह घर से निकलता हूँ, शाम को घर लौटूंगा कि नहीं पता नहीं। मेरा जीवन मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए मैं प्यार व्यार में नहीं पड़ता। पर मैं अपने हृदय को कैसे मनाऊं? इसका जवाब भी दे दो। क्या है कोई जवाब? तुम मेरे बिना रह सकती हो, पर मैं नहीं रह सकती। छोड़ो मुझे। हेलो सर, क्या कर रहा है? तलवार ने आत्महत्या करने की कोशिश की है, आप जल्दी आ जाइए। पकड़ कर रखो। क्या किया इसने? इसने हाथों की नस काट ली सर। ये सारी नौटंकी है, कुछ नहीं हुआ इसे। डालो इसे अंदर। दिमाग तो ठीक है, अगर फौरन इसे अस्पताल ना ले गए तो ये यही मर जाएगा। ऐसा है तो हम दोनों को हथकड़ी पहनाइए। क्या? हम दोनों को हथकड़ी पहनाइए। इसके साथ हॉस्पिटल मैं भी जाऊंगा। मैं इसके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। हथकड़ी दो। पागल हो गया ये? मुझे चल हाथ दे। मैं नहीं पहनूंगा। क्या कर रहा है? छोड़ो मुझे। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो मुझे, कोई इलाज नहीं करवाना। अरे कोई बोलो इसे। पट्टी बांधी? हाँ बांधी। इस वार्ड के सभी पेशेंट्स को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करो। ठीक है सर। वार्ड में कितने हवलदार हैं? 20 लोग हैं सर। सबको लेकर जाओ। किसी से बात करनी है तो कर ले। मदद के लिए किसी को बुलाना है? आज तू हाथ लगाए मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। प्रयास कर ले। से जल्दी। मेरे हाथ खोल। मैं बताता हूं तुझे। भागने की प्लानिंग की थी, खुद के प्लान में ही फंस गया। शुभ यात्रा। विजय, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ विजय। मैं माँ को मना लूंगी, वो मना नहीं करेंगी विजय। प्रिया, हे उठ। क्या है माँ? तू उस विजय का नाम क्यों रट रही है? नींद के बहाने मुझे कुछ बताना चाहती है? तुम क्या कह रही हो माँ? विजय का नाम रटे जा रही है। तू उससे प्यार करती है क्या? वो तेरे सपने में आ रहा है क्या? चल उठ। अभी मत जाओ माँ, वहाँ वो सो रहा होगा ना। मुझे वचन दे, तू उस विजय के बारे में नहीं सोचेगी। नहीं। वचन दे। चल बोल। तुम मार मार के मेरी चमड़ी चुराओ। देर दे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। याद रखना तुम सबको बहुत भारी पड़ेगा मुझे मारना। सर, हमारे हाथ एक आतंकवादी लगा है, उसके पास $1,00,000 मिले हैं। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं पर वो मुंह नहीं खोल रहा। भनक मिली है कि वो सीएम को मारना चाहता है। अगर आप अनुमति दें तो मैं मीडिया बुला लूं सर? जिसे जेल में डाला वही है क्या? हाँ। उसका नाम क्या है? उसने अपना नाम रशीद कुरैशी बताया है। वो आतंकवादी नहीं है। अरे उसने खुद बताया है। वो रशीद नहीं है, वो खुद बोलेगा। ये सब क्या है सर? ए, रुको। इसे अच्छे से चेक करो, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ए, छोड़ो मुझे। अरे ये क्या पागलपन है? सही कहा आपने। ए, तुम लोग साइड हटो। मारा मत, सब छोड़ दो। एक ही बार पूछूंगा, माँ ने नामकरण क्या किया था? मेरा नाम जगदीश है। मुझे 10 मिनट दे दीजिए सर, पूरा सत्य आपके सामने रख दूंगा। ए, लोखंड का सलिया लेकर आ। मुझे छोड़ दो साहब, मैं आपको सारी सच्चाई बता दूंगा, छोड़ दो मुझे। भाई के कारण उसने खुद को आतंकवादी कह दिया। अगर उसकी बात मान लेते तो कोर्ट में केस चलता रहता और कुछ ना होता। और सवाल पूछ पूछ कर प्रेस वाले हमारी जान खाते और पूरी दुनिया के सामने हमें ही दोषी ठहराते। धमका कर पूछा तो पता चला वो रशीद नहीं जगदीश है, इसी शहर में रहता है। हाईवे के पास उसका ढाबा है। वो तो सिर्फ नाम का है, जिसकी आड़ में वो अवैध व्यवसाय करता है। उसका नाम नकली है, डॉलर्स मिले वो भी नकली हैं। सर, ये खालिद का आदमी है। यहाँ पर उसके जाली डॉलर्स का धंधा ये चलाता है। और एक बात पता चली है मुझे सर, सप्ताह में एक बार खालिद केन्या जाता है और अभी भी खालिद केन्या में ही है। आप अनुमति दें तो मैं उसे पकड़ लूं। एक बार हाँ कह दीजिए सर, घसीट कर ले आऊंगा। मुझे बस 4 दिन दे दीजिए। देखो, इसकी अनुमति मैं तुम्हें नहीं दे सकता। कानून भी कोई चीज है। अगर जाना ही चाहते हो तो अपने रिस्क पर जा सकते हो। बल्कि मैं तो कहूंगा तुम केन्या चले जाओ, सारे इंतजाम मैं कर दूंगा। धन्यवाद सर। रुको रुको रुको, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। कैसा निर्णय? तुम ये नौकरी छोड़ रहे हो, मतलब इस तरह का एक लेटर तुम्हें लिख कर देना होगा, क्योंकि पुलिस विभाग की तरफ से केन्या जाने की अनुमति नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे जा सकते हो, उसे मार भी सकते हो। मान लो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं होगा। तुम अपने किसी काम से गए थे, बात खत्म। और अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगा कि तुम पहले ही नौकरी छोड़ चुके हो। ऐसा हो सकता है? नौकरी दांव पे लगाओगे? बोलो। देखो, कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। ये आसान नहीं है। सीधे चले केन्या। अब अरे विजय, क्या लिख रहे हो तुम? मैं ज्यादा विचार नहीं करता हूं। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। मेरा केन्या जाने का इंतजाम कर दीजिए। थैंक यू सर। इसकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। सही कह रहे हैं सर। मुझे इस तरह से घर बुलाने का कारण? आज बहुत सुंदर लग रही हो। वो तो रोज लगती हूँ। खुद पर इतना भरोसा? चलो बैठो। अदरक चाय बनाऊं? बात को घुमाओ मत, सीधे मुद्दे पर आओ। मैं केन्या जा रहा हूँ। तो क्या टिकट निकलवा दूँ? जरूरत नहीं, ऑनलाइन बुकिंग हो चुकी है। तो क्या पैकिंग के लिए बुलाया है? विचार आया कि जाने से पहले तुम्हें हृदय की एक बात बताते जाऊं, लेकिन किस मुंह से बोलूं ये पता नहीं चल रहा। क्यों, कितने मुंह हैं तुम्हारे? एक ही मुंह है जो तुम्हारे सामने है। मैं तुमसे प्रेम नहीं करता था, लेकिन वो एक वाक्य बोलकर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लूट लिया तुमने। तो बताओ ना, क्या लूट लिया मैंने? वो तुम्हारा दिल लूट लिया मैंने। हाँ? तलाशी लो। वो किस लिए? ए, क्या ढूंढ रहे हो? ए, उत्तर दे मेरे प्रश्न का। बोल। गिरफ्तार कर लो। छोड़ो मुझे। ए, हट। किसे पकड़ने आए हो? तुम्हें। किस लिए? ये बताना आवश्यक नहीं समझता। मुझे तू फंसाना चाहता है? नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। ए, ए, पकड़ लो इसे। ए, अगर कोई भी बस बताओ। छोड़ो मुझे। किसके इशारे पे नाच रहा है तू? ले जाओ इसे। छोड़ो छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। गाड़ी में डालो इसे। किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहा है मुझे? किसके कहने पर ये सब कर रहा है? चुप कर। बिक गया है तू तो। वो बंद कर। जब से पुलिस ने विजय को पकड़ा है तब से पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। जनता इतनी क्रोधित है कि पुलिस को उसे संभालने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। विजय के प्रशंसक ये जानना चाहते हैं कि आखिर उनका अपराध क्या है। पुलिस से वो उत्तर की अपेक्षा कर रहे हैं। बाहर जाइए प्लीज, बाहर जाइए। पीछे पीछे। आज पुलिस विभाग का सर शर्म के मारे झुक गया है। अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके इंस्पेक्टर विजय ने एक अपराध किया है। बड़ी बड़ी हस्तियों को डरा धमका कर उन्हें मजबूर करके करोड़ों रुपए ऐंठे हैं। मैंने विजय को 5 करोड़ रुपए दिए क्योंकि उसने धमकी दी कि अगर मैं उसे नहीं दूंगा तो वो मुझे जान से मार देगा। मेरे कनेक्शंस अंडरवर्ल्ड के साथ हैं। किसी महिला की आबरू के साथ खिलवाड़ करके लाखों रुपयों से उसका मुंह बंद करवाता रहा। पहले तो उसने मुझसे शादी का वादा किया, लेकिन उसी आड़ में वो मेरा फायदा उठाता रहा और मुंह बंद रखने के लिए पैसे भी देता था। आपको कितने पैसे देता था? हर महीने 50,000 देता था। विजय के घर से हमें ये दस्तावेज मिले। इनमें लिखा है कि दुबई में इसका एक होटल है और कौन सी बैंक में उसका अकाउंट है? सर, यूरोप में ही कोई बैंक है जिसमें उसने अपना सारा काला धन जमा कर रखा। आपके पास क्या प्रमाण है कि ये विजय ने ही किया है? जब मुझे उसने ये लेटर दिया जो कि उसका रेजिग्नेशन है तब मुझे उस पर शक होने लगा। ये देखिए वो लेटर, उसका इस्तीफा हस्ताक्षर के साथ। इंस्पेक्टर विजय का इस्तीफा डीआईजी ने पूरी मीडिया को दिखाया और ये भी आरोप लगाया कि उसने पैसे खाए। हाँ भाई, मैं अभी उससे आपकी बात कराता हूँ। ए, ये ले, तेरे लिए फोन है। कैसे हो इंस्पेक्टर विजय? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। सोचा तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ उसका कारण बता दूं। अब कान खोल के ध्यान से सुन। तुझे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनाने के पीछे किसका हाथ था? मेरा। ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे थे जिस पर जुर्म मिटाने का भूत सवार हो, और फिर मेरे और डीआईजी के फैलाए जाल में तुम फंस गए और तुम्हारे जरिए मेरे दुश्मन तलवार का खात्मा हो गया। एनकाउंटर करने के लिए डीआईजी ने जो नाम तुझे दिए थे वो सारे तलवार के आदमी थे। तेरे कंधे पर बंदूक रख के उसके पूरे गैंग को मरवाया। इसे कहते हैं खालिद का फैला हुआ नेटवर्क। सांप सूंघ गया। तूने चेस खेला है कभी? मौरे को भी लगने लगता है कि वो राजा है, लेकिन दरअसल वो होता है प्यादा। लेकिन इस खेल में तूने गलत चाल चल ली, मुझे जिंदा छोड़कर। ए, फोन वापस कर। ए, क्या कर रहा है? किससे मैसेज कर रहा है? ए, रुक, फोन दे। ए, अरे कोई चाबी लेके आओ यहाँ की। हाँ लाया साहब। जल्दी खोलो जल्दी। मेरा फोन तोड़ दिया। किसको मैसेज भेजा? बोल जल्दी, बताओ जल्दी। खुद ही बता रहा है। गोपी, कहाँ हो तुम? 10 मिनट में मेरी बिल्डिंग के नीचे आ जाओ। क्या चाहिए? ए, मारा क्यों मुझे? कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? जानकारी। कैसी जानकारी? जो जानना है बता दे, हमारा समय व्यर्थ मत कर। क्या हुआ, समझ नहीं आया क्या? वैसे तेरा किसी ने शोषण किया था क्या? ए बाहर निकलो। अब तू दे। अरे अब तू क्यों मार रही है? मैंने झूठ नहीं बोला है, सच कह रही हूँ। हेलो, इस महिला को हल्के में मत लेना वरना तू इस दुनिया से हल्की हो जाएगी, समझी? क्या कह रही थी? विजय तुझे हर महीने पैसे देता है? नहीं 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 नहीं, अपने हाथ मत खराब करो। ये लो टावल, इसके सर पर ठोक मारो, कचौड़ी की आटे की तरह इसके सर को पीस दो। ये पीसो, अरे पीसो। क्या कह रही थी? टीवी पर विजय ने धोखा दिया तुझे। अब गरम तेल में डाल दो। अरे बेचारी पूरी जल गई, कितना तल दिया तुमने। अब बता क्यों किया ये सब? झूठ बोलने के लिए पैसे दिए गए थे। एनकाउंटर करेगा। दूसरों का एनकाउंटर करने से पहले कभी यह विचार आया कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है? तुम लोग वैसे भी बुझ दिलो और कर क्या सकते हो। पैसों के बोझ तले तुम दब चुके हो। जानना नहीं चाहोगे मोबाइल से मैसेज किसे किया था? फंस जाओगे। मुझे खरोंच भी आई तो तुम सब गए। बता दो किसे मैसेज किया था? किसे किया था? बता किसे किया था? अबे छोड़ ना, मार मुझे। जब इंक्वायरी बैठेगी, बड़े साहब पूछेंगे, तब तुझे पता चलेगा। धमकी देता है मुझे? बोल क्या भेजा था, बोल बोल जल्दी। मैसेज में क्या लिखा था, बोल बोल। सर मार दिया उसे? नहीं सर, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, बाद में बात करता हूँ। चल बता, हमारा प्लान किसको बताया तूने? बता जल्दी, बता। ए ठहरो, बाइक पीछे लो। ये नहीं, थोड़ा और पीछे, थोड़ा और पीछे। ऐसे लगता है कि अंदर कोई है। लगता है मीडिया आ चुकी है। हक्कड़ी खोल, जल्दी खोल। ये वर्दी हमें देश की हिफाजत के लिए दी गई है, लेकिन तूने अपने ईमान के साथ इसे भी बेच दिया। देश से अगर गद्दारी करोगे तो इस गद्दारी की सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। प्रिया, टीवी पे समाचार देखी? क्या बात है? वहाँ बोल रहे हमारा विजय अदृश्य हो गया है। क्या आप बकवास कर रहे हो? अरे अरे विजय जेल तोड़कर भाग गया है। विजय के केस ने फिर से जबरदस्त मोड़ लिया है। वो जेल से फरार हो चुका है और उसकी तलाश में पुलिस ने शहर में नाकेबंदी कर रखी है, और नाकेबंदी की वजह से कई जगह पर ट्रैफिक जाम हो गया है। पूरे शहर में नाकाबंदी कर दो, समझ गए? उसे हर जगह ढूंढो। अरे ये गाड़ी को साइड में लो, चेक करो, चेक करो। ए रुको रुको, गाड़ी को रुको। अरे तो चप्पा चप्पा छान मारो, एक से देखो कुछ भी नहीं है सर। विजय जेल से भाग चुका है और पुलिस उसे ढूंढने में असफल रही। कुछ नहीं है, छोड़ दो। हेलो TV9, चलो चलो जल्दी चलो। आज इंस्पेक्टर विजय मीडिया के सामने अपना बयान देने वाले हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें इन सब चीजों में फंसाया गया है। बालपन से ही मेरा एक स्वप्न था कि मैं एक इंस्पेक्टर बनूं। बड़ा होकर पुलिस बनना चाहता हूँ। अपनी मेहनत से मैं एक ईमानदार पुलिस वाला बना, लेकिन मेरे हेड डिपार्टमेंट ने मुझ पर गद्दार का ठप्पा माथे लगा दिया। अपने जीवन की हर सांस मैंने इस फर्ज के लिए त्याग दी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? मुझ पर झूठे केस ठोके गए, मेरे साथ ना इंसाफी हुई, ईमानदार होने की इतनी बड़ी सजा। विदेश में मेरी प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे झूठे प्रमाण खड़े किए। मेरे घर की तलाशी ली गई और वहां पर झूठे दस्तावेज और कागजात रखकर मुझे फंसाया जा रहा है। जानना चाहते हो कि मैं जेल तोड़कर क्यों भागा? क्योंकि वो डीआईजी मेरा एनकाउंटर करना चाहता था, इसलिए मुझे भागना पड़ा वहां से। अंडरवर्ल्ड से मेरा कोई वास्ता नहीं है। अंडरवर्ल्ड के साथ हाथ मिलाकर उस डीआईजी और कमिश्नर ने मुझे फर्जी मामलों में फंसाया है। वर्दी पहनते वक्त शपथ ली थी कि मैं जनता की सेवा करूंगा, कभी प्राणों की परवाह नहीं की, ईमानदारी से अपना फर्ज निभाता रहा। हमारा पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है। उन्होंने मेरी वर्दी भी मुझसे छीन ली। हमेशा मैंने गैंगस्टर्स को मौत के घाट उतारा, कभी किसी गलत मार्ग पर नहीं चला। लेकिन अब चलूंगा। अब मैं गैंगस्टर बनूंगा। मुझे मजबूर किया इस मार्ग पर चलने के लिए। अपने विश्वासघात करते हैं तो कयामत आती है। दुनिया देखेगी विजय का दूसरा रूप। अब आंधी आएगी और सिर्फ खालिद ही नहीं, उसके पूरे साम्राज्य को बहा कर ले जाएगी। और इतना ही नहीं, खालिद का साथ देने वाला डीआईजी, असिस्टेंट कमिश्नर पटनायक और मेरा एनकाउंटर करने आए तमाम पुलिस कर्मियों को किसको नहीं बख्शूंगा। आज से यह विजय कहलाएगा, विजय भाई। अब उन सबके दिन भर गए। हमें सूत्रों से ये पता चला है कि प्रतिशोध लेने के लिए इंस्पेक्टर विजय ने हिंसा का मार्ग अपना लिया है। हमारे बारे में पूरी जानकारी है उसे। पुलिस कब क्या कर सकती है भली भांति जानता है वो। जरा सोचो, वो गैंगस्टर बन गया तो पुलिस फोर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। वो जनता की नजरों में किसी हीरो से कम नहीं है। देश के हर नागरिक का सपोर्ट मिलेगा उसे। लिख के ले लो। जानते हो उसका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि वो कोई भी जानकारी चुटकियों में निकाल सकता है। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि उसने अपनी एक बहुत बड़ी टीम भी खड़ी कर ली होगी। और इतनी बड़ी टीम से हम लोहा आखिर कैसे लेंगे? हमारे लिए अच्छा यही होगा कि वो जहां भी मिले उसे देखते ही ठोक दो। ये है शार्प शूटर चंदू, ये है मलिक, ये है पप्पू। हेलो भाई, तेरे से बात करेंगे। कौन से भाई? विजय भाई। हा? क्या लाला भाई, अपन ने तेरे को धमकी दी क्या? तूने अपन को 5 करोड़ रुपए दिए। क्षमा करना भैया, खालिद से धमकी मिली इसलिए बोलना पड़ा। जो झूठ तूने टीवी पे बोला है ना लाला, उसे हकीकत में बदल दे। 5 करोड़ भेज। अच्छा एक काम कर, आज शगुन का पहला दिवस है, तुझे डिस्काउंट देता हूँ। 4.5 करोड़ भेज। नहीं होगा। रकम बढ़ा दूं क्या बे? 4.5 करोड़ भेज। विजय ने खालिद के आदमियों की दिन दहाड़े बेरहमी से हत्या कर दी। ये 5 लाख एडवांस, बाकी काम हो जाने के बाद। बस वो जिंदा नहीं बचना चाहिए, अगर बच गया तो तू नहीं बचेगा। विश्वास रखो, आपका कार्य हो जाएगा। निकाल। ठीक है। भाई, विजय भाई ने सबको टपका डाला। इधर मैं तो कहता हूँ कि आप भी अंडरग्राउंड हो जाओ। हो जाएगा। कैसे हो साहब? पुलिस! भाई आपने पुलिस क्यों कहा? शे, आदत से मजबूर। चलो ये नाकेबंदी करके कुछ नहीं होगा, कोई और तरीका अपनाओ। जाओ। तुम अंदर कैसे आ गए? वैसे तो मुझे तुमसे घृणा है, पर उस दिन तुमने मेरी बेटी को सुरक्षित घर पहुंचाया, तब मेरी राय बदल गई। तुम्हारे साथ सही हुआ या गलत हुआ ये तो नहीं पता, पर तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो। उस दिन मैंने थाने में आकर जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। जाओ प्रिया से मिल लो, वो भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। कहाँ है आपकी लाडली? मेरी नौकरी की वजह से मैं इसके प्रेम को टालता रहा, इसके दिल को ठेस पहुंचाकर इसे रुलाया, लेकिन अब दूर नहीं रह सकता। आज मैं अपने मन की बात तुमसे कहता हूं। आई लव यू। मुझे अपनाओगी? मैंने अभी इसके लिए हाँ नहीं कहा है। अब क्या रह गया है? तुम इसका हाथ मांग लोगे और मैं चुपचाप देखती रहूंगी? चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहूंगी। अब जाओ यहाँ से। ये नहीं हो सकता, मुझे इसकी जरूरत है। जीवन में प्रेम करके मैंने जो गलती की है, मेरी बेटी वो गलती नहीं दोहराएगी। क्या पता तुम भी इसका इस्तेमाल करके इसे छोड़ दो। मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है। शक रिश्तों को तोड़ देता है। ये शक नहीं, सच्चाई है। कोई ऊंच नीच हो गई तो तुम्हारा इसमें क्या बिगड़ेगा? जीवन तो मेरी बेटी का बर्बाद होगा ना। निकल जाओ यहाँ से। देखिए, मेरी एक गलती की वजह से मेरी नौकरी चली गई, पर मैं इससे नहीं खो सकता। विजय पुलिस फोर्स छोड़कर अब गुंडा बन गया है, जिससे सारी पुलिस फोर्स अब लज्जित हो गई है, लेकिन लोगों के लिए तो अब भी वो देवता ही है। ऐसा लगता है खालिद का अंत बहुत नजदीक है। विजय को ढूंढने के लिए पुलिस फोर्स ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, परंतु विजय का कुछ पता नहीं चल पाया है। विजय ने खालिद के एक एक आदमी को चुन चुन के मारा है। हर एक आदमी के मुँह पर विजय भाई का ही नाम है। अब बहुत जल्द विजय के हाथों खालिद का खात्मा होगा। पुलिस भी अब विजय भाई के नाम से भयभीत हो गई है। सर, मुझे 2 महीने की छुट्टी चाहिए। विजय बहुत गुस्से में है सर, कहीं वो हमें ही गोली ना मार दे। तो ड्यूटी पे कौन रहेगा? पुलिस फोर्स में तो और लोग भी आ जाएंगे सर, लेकिन हमारे परिवार की देखभाल कौन करेगा? हाय। हाय। आज तुम्हारा जन्म दिवस है ना? हैप्पी बर्थडे। जन्म दिवस पर इस तरह से शुभकामनाएं आज तक किसी ने नहीं दी। क्यों, क्या हुआ? सिर्फ प्यार से बोलकर देखो, तुम किसी काम के नहीं हो। तुम्हारे शब्दों में ना बिल्कुल मिठास नहीं है। हंसी आ रही है। सोए नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही है। क्यों? पता नहीं, अकेलापन सता रहा है। अकेलापन? तो मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। अरे ये क्या हरकत है? अरे पर मैंने क्या किया है? अरे बताइए तो सही, छोड़ो मुझे। बता, कहाँ छुप के बैठा है? मेरी बेटी को गिरफ्तार क्यों किया है? जवाब दो, मेरी बेटी कहाँ है? मेरा कॉलर क्यों पकड़ा है? छोड़िए इसे। तू रट गया, हटिए। प्रिया, प्रिया, कहाँ है मेरी बेटी? क्या हुआ? ये क्या तमाशा है? उसे गिरफ्तार क्यों किया है? पूछताछ करने के लिए। तुम्हारे पास ऑर्डर थे उसे गिरफ्तार करने के। किससे पूछ के गिरफ्तार किया है? अगर उसे कुछ हुआ ना तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ए, मुझे ऑर्डर्स दिखाओ, जल्दी दिखाओ। दिखाओ। नहीं है ना? झूठा आरोप लगाया ना, मीडिया के सामने तुम सबकी पोल खोल दूंगी। ए, वर्दी का गलत इस्तेमाल करोगे, एक औरत पर हाथ उठाते हो बुजदिल कहीं के। मुझसे तमीज से बात कर। तुम होते कौन हो मुझे तमीज सिखाने वाले? मेरी बेटी जीवित है, यह हत्या कर दी उसकी। देख क्या रहे हो, सबको बाहर निकालो। पहले मेरी बेटी को लेकर आओ, मुझे मेरी बेटी चाहिए। प्रिया, प्रिया। जानते हो तुमने किसको मारा है? ये विजय की होने वाली पत्नी है। क्यों, विजय का नाम सुनते ही तुम्हारे होशो हवास उड़ गए? तूने मारा इसे, तूने मारा। जिसने इसे छुआ है विजय उन्हें नहीं छोड़ेगा। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मरोगे तुम। वो कल का सूरज नहीं देखेगा। भाई, ये एसीपी तो थाने से बाहर ही नहीं आ रहा है, और बाहर हवलदार की पहरेदारी बहुत है, अंदर बंदूक ले जाना कठिन है। सुन, उसके टिफिन वाले को पकड़। मैम साहब टिफिन दे दो। टिफिन दे दो। अपने किसी आदमी को अंदर भेज। सुनील मिल गई। एसीपी साहब कहाँ मिलेंगे? आगे जाके राइट चले जाओ। धन्यवाद। क्या रे, डब्बे में क्या लाया आज? मुझे क्या पता साहब, वो एसीपी साहब से मिलना है। अभी भोजन का समय है। साहब सुनिए, ये लीजिए एसीपी साहब का टिफिन। ठीक है साहब। बाहर कोई व्यक्ति आया है जो विजय के बारे में आपसे वार्तालाप करना चाहता है। अंदर भेजो उसे। हाँ बोलो। मुझे विजय ने यहाँ भेजा है। वो कह रहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो खाने में आज मैं आपको अपने हाथों से गोली खिलाऊं। मेरी तबीयत को क्या हुआ? सॉरी जान, तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई। जाओ, तुम्हें मैंने माफ किया, तुम भी क्या याद रखोगे? कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? विजय को बता दो कि तुम मेरी पत्नी हो। वो मेरी जान का दुश्मन बन गया है। प्रिया भी उससे प्यार करती है, हो सकता है इस वजह से मुझे छोड़ दे। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कितना गिरा हुआ हूं, स्वार्थी हूं। हाँ हूं, अपनी जान की परवाह हर किसी को होती है, और मुझे भी है। हेलो विजय, मुझे आज तुम्हें एक बात बतानी है। तुम्हारे जो डीआईजी भरत हैं, वो मेरे पति हैं, और प्रिया हम दोनों की बेटी है। उन्होंने मेरा अपहरण किया, ये बात बताने के लिए कि वो मेरे पति हैं, और तुम उन्हें माफ कर दो। तुम्हें सच बता दिया है, फैसला तुम्हारा है। क्या तुम उन्हें माफ कर पाओगे? चुप क्यों हो? माफ करने की सोचना भी मत। इस आदमी ने तुम्हें ही नहीं बल्कि मुझे भी धोखा दिया है। पहली पत्नी के होते हुए मुझसे शादी की, और मुझसे हमेशा छिपाया। मार दो इसे। मेरे लिए ये कब के मर गए। जैसे ही पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, ये मुझे छोड़कर चला गया। मैंने अकेले ही प्रिया को बड़ा किया है। बाप के होते हुए भी मेरी बेटी बिन बाप के बली है। जब मैंने अपनाने के लिए कहा तो मेरे ऊपर गंदा इल्जाम लगाया, कहा कि ये उनकी नहीं बल्कि किसी और की नाजायज औलाद है। विजय, तुम इस आदमी को छोड़ना मत। मार मेरी माँ चली गई। भरत, विजय भाई बोल रहा हूँ, बात करनी है तेरे से अपन को। मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे फोन मत करना। मैं जानता हूँ तुम मेरी जान के पैसे हो। तूने तेरी पत्नी को उड़ा दिया, ये तेरा आपसी मामला है। तेरी दुश्मनी इंस्पेक्टर विजय से थी, लेकिन अब मैं विजय भाई हूँ। मदद चाहिए तेरी, एक बिजनेस डील की वजह से मैंने फोन किया है। खालिद की कुर्सी मुझे चाहिए और तुम इसमें मेरी मदद करोगे। नहीं की तो पत्नी को जब तुम गोली मार रहे थे वो वीडियो मेरे पास है। अगर लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो ऐसा विचार मत करना। अगर आज नहीं आओगे तो कल की ब्रेकिंग न्यूज में अपनी शक्ल देख लेना। नहीं नहीं, यही सही मौका है। अब तुम एक काम करो, उससे जाकर मिलो और कोई भी पुलिस वाला तेरे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारे साथ मेरे 4 पंटर जाएंगे। उसकी मृत्यु की सूचना जल्दी देना। ओके। सब क्लियर है? ठीक है। पहले अपन तुझको एक बात बता देना चाहता है, तुम्हारे आसपास जो आदमी है ना, वो खालिद के नहीं है, मेरे पंटर है। संदेश, आ जाओ आ जाओ, डरो मत। अगर मैं चाहता तो तुझे अभी के अभी टपका देता। तूने मुझे धोखा दिया, चल माफ किया। वैसे भी गद्दारों के कोई उसूल नहीं होते हैं। अब दुनिया पर बस एक भाई राज करेगा, विजय भाई। उसे मार दो और मैं उसकी कुर्सी पर। देख, अगर मुझे दुनिया पर राज करना है ना, तो तुम जैसे करप्ट लोगों का साथ जरूरी है। अकेले से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारा साथ रहा तो तुम्हारा हिस्सा पहुंचाता रहूंगा, खालिद से भी डबल दूंगा। हाँ, और अगर मैं टपक भी गया तो तुम्हारा राज रहेगा। खालिद को इसकी भनक भी नहीं लगेगी। विचार करके नस क्यों फाड़ रहे हैं? इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए। वैसे भी आप कुछ कर नहीं पाएंगे, पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। या तो मैं उसकी कुर्सी पर बैठूंगा या फिर आपको टपका दूंगा। विचार कर लीजिए। भाई, विजय को मैंने टपका दिया, मेरे सामने ही मरा पड़ा है। मेरा दिल खुश कर दिया तूने डीआईजी, मजा आ गया। जश्न मनाएं। पहली फ्लाइट पकड़कर आ जाइए। आऊंगा, जरूर आऊंगा। वैसे मुझे एयरपोर्ट लेने कौन आएगा? तुम्हें लेने डेविड आएगा। डेविड? ये डेविड मुझे पहचान तो लेगा ना? हाँ, उसके पास तुम्हारी फोटो है, पहचान लेगा। ये तो तुमने अच्छा किया। वैसे भी कहीं बाहर गया नहीं तो वहां आने को मन उतावला हो रहा है। ओके। अब ठीक है, तुमने जो काम दिया वो मैंने कर दिया है। अब बताओ और क्या करूं? जाने की तैयारी कर लीजिए। शुभ यात्रा। तूने मेरे साथ जो डबल गेम खेला था ना, वो अपन के खोपड़ी में छपी हुई है। आज मेरा बदला पूरा हुआ। जो जैसा बोता है वो वैसा ही पाता है। ये स्कूल में पढ़ा था फिर भी नहीं समझा। माइकल, कल की मलेशिया की टिकट बुक करो। ठीक है भाई। डेविड, खालिद को खत्म करना मेरा मकसद है। अगर इसमें बाधा डाली तो आधा कर दूंगा। पहुंच गया हूं, डेविड भी मिल गया। वो तुम्हें होटल पे छोड़ देगा। खालिद जहां रहता है वहां लेकर चल। से फ्लोर पर है? 30th फ्लोर, पेंट हाउस। उसके साथ कितने आदमी हैं? छवि गिनानी है। शान पत्ती मत कर, ठीक से बता कितने आदमी हैं? होंगे 12-14। 4 बंदों को नीचे बुला। हेलो, 4 लोग को नीचे भेज। आते हैं, चलो। अभी पहुंचा, होटल अच्छी है। फ्रेश होकर कॉल करता हूँ। ठोक दे सबको। बंदूक साथ में नहीं लाया। तू क्या करेगा मैं नहीं जानता। उन्हें नहीं मारा तो तू गया। क्या बात है, बुलाया क्यों? तेरी बंदूक दे। क्यों? अरे देना। साथ में कौन है? बंदूक दे। इस समय हमें हमारे सूत्रों से ये पता चला है कि एक एनकाउंटर में डीआईजी भरत की मृत्यु हो गई है। सारा शहर सदमे में है। पुलिस इस बात का विवेचन कर रही है कि उनका एनकाउंटर किसने और क्यों किया। आखिर उनकी शत्रुता किसके साथ थी? ये कौन है? पता नहीं भाई। और 4 पंटर को बुला। स्पीकर पे डाल। हाँ भाई। तू डीआईजी के साथ वहीं रुकना। मैं डीआईजी को मिलने के लिए उसी होटल में आ रहा हूँ। तब तक उनकी अच्छे से खातिरदारी करना, ठीक है? हाँ। देख क्या रहे हो? पकड़ो उसे। वो किस होटल की बात कर रहा है? मुझे नहीं पता। मुझे जिंदा छोड़कर डीआईजी ने मुझे डबल क्रॉस किया, फिर भी मुझे कोई दुख नहीं है क्योंकि तू मेरे चंगुल में आ गया। यहां आकर तूने अपनी मौत को दावत दी है, लेकिन तेरी मौत आसान नहीं होगी। तुझे तो मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा। खालिद को हलवा समझा तूने? अपने आप को तोप समझता है? अरे तू अकेला है और मेरे इतने सारे लोग हैं। मुझे अकेला समझने की भूल कैसे कर ली? मेरी पहुंच ऊपर तक है, इसलिए यहां तक पहुंचा। तुझे ऐसा लग रहा है कि तूने मुझे बंदी बनाया, लेकिन बंदी तो मैंने तुझे बनाया है। कौन है तेरे साथ? बता किसके साथ है तू? ढूंढो इसके आदमियों को और वहीं पर गोली मार देना। उस तरफ तुझे कोई मिला क्या? देखो यही कहीं होगा। मिला क्या? चल तू वहाँ देख। वहाँ पे कहीं होगा। वहाँ देखो, उस तरफ देख जा। हाँ, वहाँ क्या देख रहा है? यहीं पर मेरे 3 लोग मौजूद हैं। तेरे पंटर तेरे लिए प्राण दे सकते, इतना विश्वास है तुझे? विश्वासघात वही करता है जिस पे विश्वास होता है। सब कुछ बिकाऊ है इस दुनिया में। पैसों से सब खरीदा जा सकता है, तेरे लोगों का ईमान भी। तेरे गिरोह में ऐसे बहुत से आदमी हैं जो बिक चुके हैं। मजाक अच्छा है। मजाक समझ रहा है? ए छोड़ रे, ए हिम्मत है तो मार मुझे, मार मुझे। सुन, तूने अगर मुझे छुआ भी तो तुझे छोड़ेंगे नहीं मेरे आदमी। चल कुछ भी बोल रहा है। इस तरह हंसने से सत्य छिपता नहीं है। अगर अभी भी तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आजमा कर देख लो, सच्चाई खुद तेरे सामने आ जाएगी। आजमाना चाहोगे? ज्यादा विचार करने में समय मत गवा। इनमें से कौन है उसका पता लगा क्या? मेरी तरफ क्यों देख रहे हो भाई? मुझ पर शंका कर रहे हो? ये डेविड उसके साथ मिला हुआ है। आपने सीसीटीवी फुटेज देखी ना? हमारे आदमियों को भी इन दोनों ने मिलकर मारा है भाई। इस डेविड ने पैसे कहां हैं? ये बिक गया है। टावर के हेलीपैड पर आ जाओ जल्दी। दोनों में से कोई एक ही बचेगा। क्या गोली चला रहा है? मेरी बात तो सुन। हम दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं, दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। तेरी तो नहीं, नहीं। पागल हो गया क्या तू? क्या देख रहा है? ये जानते हुए भी कि मैं बहुत बड़ा गैंगस्टर हूं, फिर भी यहाँ की पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तू जानना चाहता है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ की पुलिस की नजर में मैं एक एरिस्टोक्रेट बिजनेस टाइकून हूं और पासपोर्ट पर मेरा नाम छपा है खियाम बाटू सोम, और मैं एक मलेशियन हूं। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तू क्या? नहीं 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 नहीं, मुझे माफ कर दे। नहीं, निकल गई तेरी सारी भाईगिरी। फेंकू बोला ना, रुक रुक, माफ कर दे। गोलियां जेब में रखकर घूमता है। मेरी बंदूक कहाँ है? मुझे मार मत। रुक, अभी तेरा भीजा उड़ाता हूँ। मुझे मारकर तेरा ही नुकसान है और अच्छा ऑफर दूंगा तुझे, सुन ले। आज तो तू गया। अरे खलास बेवकूफ इंसान, बात तो सुन। अरे विजय, तू एक नंबर का ना समझ है। अरे स्विस बैंक में मेरे खरबों रुपए हैं, चलना। अरे मिल बांट के खाएंगे। ए, मुझे गोली मत मारना विजय, तेरी तरक्की हो जाएगी। मैं समर्पण करता हूं। तेरी मृत्यु की सूचना हिंदुस्तान तक पहुंचा देता हूं। थोड़ा स्माइल तो कर, नहीं करेगा? हेलो, लिस्ट में और कोई बचा है? नहीं सर, कार्य समाप्त। अच्छा है। अब अगला कार्यक्रम क्या है? सोचता हूँ शादी कर लूं और पत्नी को स्विट्जरलैंड घुमा लाऊं। उबलते खून को ठंडक मिल जाएगी। हाँ, बड़ा काम करके ब्रेक लेना जरूरी है ना? वैसे तुम पर लगे चार्जेस हटाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि तुमने पुलिस को भी उड़ाया है। माना कि तुम पर लगे हुए चार्जेस का हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन इस मसले को भी मैं ख़त्म कर ही दूंगा। और मैं समझता हूँ तुम मलेशिया में ही रहो, एक अंडरकवर एजेंट बनके, और विजय भाई के नाम से माफिया चलाते रहो और बैंक में एक फेक अकाउंट खोल लो। नेताओं से काला धन निकलवाने का इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं। और इसका जरिया तुम बन रहे हो। इससे बड़ी और खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है ना? और ऐसा करने से नेता भी हमारे अंडर में आ जाएंगे। हाँ गुरु, हो जाओ शुरू। जय हिंद सर, बाय। शरद, एक छाछ पिलाओ। हेलो। हाँ भाई। माइकल, काम पूरा हो गया है। पूरी टीम के साथ यहाँ आ जाओ। मतलब? हाँ, यहीं से देश सेवा करेंगे, भारत से जुर्म मिटा देंगे। अच्छा, प्रिया को फोन देना। हाँ भाई। हाय जान। हाय, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तो आ जाओ मलेशिया, यहीं पे शादी कर लेंगे और बच्चों का एडमिशन भी यहीं पे करवा लेंगे। शादी के बाद घूमने कहाँ जाएंगे? दुनिया के नक्शे पर कहीं पर भी उंगली रख दो, वहीं घूम कर आ जाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया पर अब मेरा राज है। कपड़ों की पैकिंग अच्छे से कर लेना। ठीक है, बाय।